भैया अरे उठी उठी भैया। अरे बाप रे करिया भूत। अच्छा तू अरे का लाओ ठोकत तो ऐसे मारे जैसे हड्डी के डॉक्टर मारे। पढ़ के मोड़े बगैर पड़ोसी के दरवाजे पर रख दिया ना तो दोनों जने के भारी पड़ी। औकात पियून के नहीं के और बात मुकेश अंबानी के जैसन करे ले। यापन भाड़ू विपिन कहाँ बा शुरू हो गई ले इनकर इंक्वायरी। भाड़ा ना भरलस इलिए ओकर माल के नौकरा के लात मार के निकाल देलस। ए ई दुगो चाय लावे की का जरूरत रहे। हमार पार्टनर के आवे तक की टी आइस टी बन जाई। होई ना सकेला भाई के कमिटमेंट कभी चेंज ना होई। भाई बोल रलन का सवेरे 6 बजे हमारे टेबल पर चाय रख दी है। 5 मिनट बाकी लागत बा टूथपेस्ट की जगह हम सेविंग क्रीम से ब्रश कर देनी। सब उल्टा काहे होत बा। मम्मी वाह का टाइमिंग बा। टाइम पे आवे खातिर का लेवेला जॉन टाइम पर मिल जाए उहे लेवे नहीं। और हम जिंदगी में खाली दो चीज के कदर करे नहीं। एक तो आगे चले वाला टाइम दूसरा अपन माइंड। ई बात ओकर फ्रेंड पे भी लागू होखेला। तो यार कुत्ता चाल फिर शुरू हो गए। कुत्ता मत बोल यार डॉगी टॉमी बोलते ही चले। जान खजूरा कहीं के यार आज के दिन ही खराब बा। एक तो सवेरे सवेरे भाड़ा खातिर मकान मालिक के फोन आ गए। हम ओकरा करेक्ट 9 बजे एजा बुले ले बानी। एलिया का खातिर 9 में 5 कम हमनी एजा से फुट लेहल जाई। अरे जब किराया देवे के ना रहे तो ओकरा यहाँ बुलवला का है? यार हमनी दुगो लंगूर से यहाँ केहू मिले आवेला ना। सिर्फ एगो उहे बा जे महीना के 1 तारीख के टपक जाएला। आवेदा ओकरा के ताला देख के निकल लई। लाइफ में फर्स्ट टाइम हम ऑफिस में टाइम पे पहुँचब। हमरा साथ नहावे वाली ए डार्लिंग कुर्सी पे सुरक्षा कवच सुखद बात देना। अबे का यार हमार कक्षा के कोनो इज्जत बाकी ना। साफ के सारा जहर एम उतर गइल बा। डुप्लीकेट डियो दिया देखला हमारा स्टाइल स्केच। मम्मी हाय गुड मॉर्निंग। सब ठीक बा? गुड मॉर्निंग सर। भैरव आवा आवा अंदर आवा। हाँ एकर नाम दुष्यंत कुमार है। वो यहाँ कुछ दिन पहले एगो पॉलिटिशियन के संगे मिले खातिर आयल रहे। वो चाहत रहे कि हम ओकरा के बिजनेस शुरू करे खातिर बैंक से लोन दी। अपना घोटिया बा सर। पार्टी खातिर बहुत काम कैले बा। टैंकर से पानी सप्लाई करेला और टैंकर खरीदे चाहेला ताकि लोगन के पानी के कमी न होखे। भरोसा के आदमी बा लोन दे दी समय पर चुका दी। पहले डॉक्यूमेंट्स दिखावा। इली साहब सर संभाल ली है हमजे बानी। धन्यवाद। हम ओकरा के 60 लाख के लोन दे देनी। बाकी आज तक वो इंटरेस्ट के एको फूड़ी कौड़ी ना देलस। जब हम इंटरेस्ट मंगनी तो वो कोनो जवाब ना देलस। मेन ब्रांच से हमरा पर बार बार दबाव आए लागल। तब हम दुष्यंत कुमार के फोन कईनी तब हमसे बोललस कि प्लांट पर आ जा हम सारा पैसा दे दे। हम डॉक्यूमेंट लेके ओकर प्लांट पर पहुँच गईनी। भाई सिर्फ तोरा के बोले बड़े चल। नमस्कार नमस्कार। बैग ला रहे? लाओ तो नहीं भाई। ब्याज मिला के 64 लाख बा सर। ठीक बा हम एक बार गिन ली। हमरा पर भरोसा नहीं है का ना ऐसे बात नहीं। बैग लेके जो चला चला निकला दोबारा यहाँ मत आई जा। सुनी यहाँ से भी ना रहे रवा लोग तो बुरा मान गए। जाए दे छोड़ दे कहा है कि फालतू में भाव खा रहा था। साइन कर देता नहीं अब रवा एक रख के चेक कर ली। थैंक यू सर। हाँ हम ठीक बा अब जा सकते। नमस्ते। का है सर ये तो धोखा बा सर हमारी नौकरी चल जाए सर। अरे हम तोरा के पैसा दे नहीं तू हमरा के फाइल दे ले लोन सेटल हो गई अब जा। सर एक आलू रख दे रहे। अरे आवा आवा सर आवा, आवा, कर रहा बानी सर हमारी नौकरी चल जाए सर। हाँ बेचारा गरीब आदमी बा तरस खा के पैसा दे दी ना। तू हमरा संगे क्रिकेट खेल हम तोरा के पैसा दे। कहा क्रिकेट हम एक ओवर डाला 6 बॉल में तू एको रन ले ले बिना तो तोरा के सब पैसा दे दे। गैल भैंस पानी में। सर हमरा क्रिकेट खेले नहीं के आवत सर। हमके भी कौन ड्राइविंग आवेला पर हम टैंकर चलावेली ना। एक रन मारा और अपन सारा पैसा यहाँ से लेके निकला। 6 बॉल पे 1 रन मारे खातिर कौन कोहली बने की जरूरत बा। ए बैठ ला। बढ़िया खेलत पड़े। बोल दे। कैसे भाग रहल बा। मैनेजर लोन क्लोज्ड। हम एक केहू के भी ना बतेली। जब घर वाला लोग हमसे पूछलन तो हम उन लोग से बोलनी कि हमारे छोटा सा एक्सीडेंट हो गए रहे तोहार अलावा केहू और गुंडा से पैसा वापस ना ला सकेला। जीएम साहब बोले बड़े कि यदि कल तक पैसा जमा ना भइल तो हमके जेल जाए के पड़ी। इतना कम समय में हम पैसा कहाँ से लाए। अगला महीना में हमार बेटी के शादी बा वो ऊंचा परिवार के लड़का बा वो। यदि कल हम पैसा ना जमा कर सकब तो अपना पूरा परिवार के संगे आत्महत्या कर ले। आजकल सीधा साधा लोग आत्महत्या कर रहा बाड़न और गुंडा मावाली सीना चौड़ा करके आराम से हुए सीधा लोग के छाती पर मूंग धर रहा बाड़न। रकम कितना बा? 64 लाख। 64 और देवी के कब बा? कल सवेरे। आज शाम के 5 बजे से पहले सारा पैसा आपके टेबल पर होगा। का तो शाम तक पैसा ले आएगा। हमरा ने को बुरा आदत बा जन आज के लोगों में ढूंढने से भी ना मिलेगा। हम सेवा काम उल्टा तरीके से करेंगे। जीपीएल मैच खेलने में डिस्टर्ब कर रहा था। आईसीसीआई के बैंक मैनेजर हमके भेजले बाड़न। हम तोरा से लोन के रकम वसूली आयल बानी। खुद के वसूली भाई समझत बाड़े। भाई बोल के इमोशनल मत करा। तोर इतना हिम्मत कि तू हमरा अड्डा पर अकेले आ गइले। हम ऐसा चिंदी चोर के पीछे ना पड़ेला जो ऑटो गाड़ी ट्रैक्टर चुरावेलन। हम उ लोग से वसूली करेला जो बड़ा झोल मार के माल गटके के बाद डकार बिना मारेलन। तोरा जैसा लेनदार भीख के पैसा से धंधा खोलेला और जब कोनो शरीफ आदमी हुए पैसा वापस मांगेला तो तू लोग अपन असली औकात में आके उ लोग के तंग करेला। अब तोरा टाइम खत्म हो चुकल बा। चला पेमेंट वापस करा। ना करब त तू चड्डी सीधा पहनेला कि उल्टा? तो के चाही का फाटल बादी का। हथियार के इस्तेमाल तो शेर के शिकार खातिर रोकेला। जंगली खुजली वाला कुत्ता खातिर ना। गेट बंद कर भाई। वो खुदे बंद कर देला। सुन ले वाली, तू पहले क्रिकेट खेल तब पैसा दे पा। चला आईपीएल लोन खेला गया। थकेला एक ओवर का टूर्नामेंट, अगर तो आज 6 फेकल गेंद में से एक को ना खेल पे नहीं था हम यहाँ से कल्टी। ए मोटा हट रे भाई, उल्टा डाला और ये बुड़बक के गिल्ली उड़ा दा। हाँ रेडी वाला ना, बकरा के बाहर कर रहे। सचिन भाई योकर डाल के अगर पैरे तोड़ता। अरे का कुम्भी समझ गए कि वनडे के चैंपियन प्लेयर है। आपकी बॉल छोड़िए मत। घेरा डाली भाई, ऑफ में डाला, बॉल लेकर सर पे मारा। देखत का बड़े पे अभी मुंह टूटे वाला बात। और होने जो रेडी बा भाई। आगे से घेर उकरा के। तू होने से घेर उकरा के रेडी भाई। मुंह बंद कर बे भाई। शॉर्ट पिच कालू, बॉल तो हर बाप उठाई का। चल बॉल उठा के दे। आइए दादा, रिकी पोंटिंग। ओहो, एमएस धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारी। नो बॉल रहे का? तू केकरा तरह बाड़े रे बता। नो बॉल रहे तो रहे। नो बॉल होइए नहीं कैसे चीटिंग ना करेला। अरे बोलली ना रहे। सबूत दिखाई का। देखला। अरे अंपायर से बहस कहाँ करा तड़ा। चला डाला ना एक और बॉल। हाँ? तू तक खैले। भाई के 64 लाख दे दे। ठीक है भाई। लगावे नहीं सब कर वाह। समझ आय पहलवान भाई, हम तो के जवन भी चेक दे वो बाउंसी होकी। पता बा हमार रहे के कोनो घर कोनो पता भी नहीं के। वो भी मालूम बा कबो इजा लुकाई नहीं आओ भी जाने ली। हम 10 गो मर्डर कैले बानी, बैंक में डाका डलले बानी। जब तक दंगा ना करे नी तब तक हमार खाना हजम ना होखेला। गारंटी के लिए आपन ता वो भैरव ही सारा गारंटी है। ओ अच्छा, तू भैरव भगवान के भक्त बाड़ा। आपन दोस्त के लोन बिजनेस में आपन काम केवल लोन देवे के होखेला और रिकवरी ऊ संभालेला। आपन सारा पैसा दूसरे पे खर्च कर देला। और तो और हम जौन नोट छुपा के रख ले रही तू ओकरा भी निकाल लेला। यार हमने के कुछ सेविंग भी तो करे के चाहिए। आज जौन कमाई होके खर्च करब तबे तक कल और ज्यादा मेहनत करके और कमाए के जोश जागी ना तो करेक्टर के जैसन लूज हो जाए। सेविंग बासी फल के जैसन होकेला जो निकलनी और खा गई नहीं। बाकी हमने वो शिकारी बानी जौन हर रोज ताजा खाए। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ कैसे सर? बातें बहुत खुशी के रहे, यही खातिर हमने यहाँ आ गए। बैठी 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 ना। थैंक यू। हमार पत्नी शांति और हमार बेटी शांति। अरे निकाला देसी लाई की अंग्रेजी चली। अपना बेटी के शादी के पहला कार्ड हम तोहके देवे आयल बानी। पर सर पहला कार्ड हमके काहे? ई शादी जोन हो रहल बा ई तोहार वजह से हो रहल बा, इलिए पहला कार्ड के हकदार तू बड़ा। यदि तू हमार मदद ना कर ले रहता तो हमार परिवार शायद जिंदा ना होखत। सर हमको ना एहसान ना कहनी, कमीशन भी तो ले ले बानी। ना ना, हम तो खाली बॉस के फर्ज निभैले बानी। तू तो हम लोग खातिर देवता के जैसन बड़ा। जाता नहीं सर, आप सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड दिले बानी, हम भी आ सकेले। तू दोनों आ सकेला। ओ काबा कि हमके बिन बुलाए बराती बनल अच्छा ना लगेला। शादी में जरूर आइहा। चले बानी, नमस्ते। इंपोर्टेड एप्पल बा यार। शालू अभी बतावा अगला कार्ड केकरा देवे के बा? महेश्वरी के पापा। ओके। केकर कार्ड हो? हमार सहेली शैलजा के शादी के कार्ड बा। फाइनली ओकर शादी हो रहल बा। कब बा? 23 तारीख के। डार्लिंग कितना टाइम लगाओ तड़ा, जल्दी कराना कहीं खाना खत्म ना हो जाए। अरे मम्मी, अबे शादी में जा रहल बाड़े कि सिग्नल पे धंधा करे? अबे एकरा क्लास बोलल जाला यार, अमेरिकन के स्टाइल बा। हमनी के बाप गरीब रहे, ई हमनी के किस्मत रहे, ई तो हम बदल ना सकेली। अगर हमनी के ससुर भी गरीब निकल तई ऊपर वाला की कोनो साजिश है। हाँ बिल्कुल, सो मालदार ससुर मिल जाए ई खातिर हम ई सूट बूट पहिनले बानी। कैसन लागल पॉलिसी? पॉलिसी में दम तो बा। थैंक्स। बाकी होठ पर लाल लिपस्टिक लगल बा। हां तू ना समझ बे, हसीना लोग के दीवाना बनावे खातिर कुछ तो अलग करे के पड़ेला। सच कहीं तो आईटी में काम करे वाली लड़की नाइटी में बकवास लागी, वैसे ही शादी में मेकअप करे वाली आम लड़की भी खास लागेली। तो हम भी मेकअप करके कोनो मेकअप वाली के पटावे चाहत बानी। कुछ अर्ज करें? अर्ज करा, लेकिन खिंचाई मत करिया। 20 साल के लेके 60 साल में वैसा ना लगेली। 1 तारीख के बटुआ 30 तारीख के वैसा ना दिखेला। ऐसे दिखावा पर मत जा, खाली सूरत पर ना सीरत पर भी ध्यान दा, जिंदगी सेट हो जाए। यार अच्छा लड़की लोग होखेली का होखेली, बाकी उनका देखे खातिर आंख हवस ना परख चाहिए। और तू देख पावेले का? 100 टका। जे सादगी से दिल के कोना में जगह बना ले हुए हो कि परफेक्ट। तू तो शादी में कोना ही ढूंढे लेना। अब चल ना। हाय बड़ी, दुगो नारियल दा मलाई मार के। हां आज तले की लोग हमरा पे फिदा हो जाएंगे। सर बेटा भैरव तू कहां बड़ा? बस अभी घर से निकला था। नहीं सर हमारे को काम करवा बोली ना सर। हमार बेटी के सहेली तिरुनेलवेली से आवत रहे, कुछ गुंडा लोग रास्ता में ओकर गाड़ी के रोक लेलस और ओकरा परेशान करे लगे। कौन जगह सर? वल्लूर कोटम के लगे। ठीक बा सर, हम देखा था नहीं। ए चल बैठ। सॉरी हम सब कुछ सुनते ले बानी, लेकिन हम एक्शन के मूड में नहीं की। हम तो नहीं रोमांटिक मूड में बानी, नैन मटक का मूड में। हम तो जाता नहीं सीधा मैरिज हॉल में। जब तू वहाँ आईबे ना तो हम तोहर होके वाली भाभी से इंट्रोड्यूस करवाई। वैसे ब्रो हमार एंट्री जबरदस्त होके ही चाहिए। वैसे गोला बुलाई तो BMW तो आ ही जाए ना। इट्स ओके, हम टमटम में बैठ के चल जाए। बाय ऑटो। काबिल चाचा का बताई बेटा, कुछ बदमाश हमार पीछा करत रहलन। अचानक वो लोग हमने के गाड़ी के ओवरटेक कैलन और वह चक्कर में गाड़ी से उन लोग के बाइक के इंडिकेटर टूट गई। अब इतना छोट बात खातिर उन लोग हमरा से 50,000 रुपया मांगे लगलन। हम मना कहीं नहीं तो ही देखा हमारे कार के टायर के हवा ही निकाल देलन। भाई वो लोग के रोज के नाटक बा, सीधा सीधा ड्राइवर लोग के टारगेट करे लन जा, अपना गाड़ी के बाइक के ठोके लन जा, फिर पैसा के मांग करे लन जा। आज चाचा के नंबर रहे। बाकी सर बोले रहलन आपके साथ एगो लड़की भी रहली। हाँ वो लड़की वो लोग के बुरा भला कहे लगली, यही से वो लोग गुस्सा में आके ओकरा पकड़ के सामने चाय के दुकान पर ले गए। भाई लोग गांव से शादी में आए वाले लेकी भीतर बिया का चला जल्दी बाहर आवा। अरे आवा ना। ए बोलली ना बैठ जाओ। अरे बोलली ना चला हमरा साथे। ए अरे के भोकेदा कुछ ना करी चला तो। कुत्ता बोले ये हरे कुत्ता। अरे भाई शर्ट मोड़वा तो धड़कन बढ़ जाए भाई, बटन लगा ला भाई। डरा गई ले कहो डेढ़ पसली दबाओ। ए डर ना इज्जत बोल। एगो मैच हो जाए। अरे का बताई भाई हम तो रिटायरमेंट ले लेनी, गाँव में जाई और खेती बाड़ी करब भाई। बहन रहुआ खड़ी काहे बनी, जाई ना प्लीज। अरे चेहरा हटा भाई, लुक्का से कहे डर रहल बड़ा, इतना थकेला पीस बा। अते सड़ेला पीस बाड़े। एकरा से जेल ही पंगा हो जायू नंगा। बैठा ना तू चल जा, हमके हाल पता बा। भाई रहुआ अभी तक गई ना। अरे ना ना टेंशन मत ली भाई, हम टायर में खुद हवा भर के गाड़ी पहुंचा दे। रहुआ जाए ना भाभी के लेके। एक बार फिर से बोला तो। हम बोल रहे रहुआ जाए ना भाभी के लेके। तू जा हम खुद ही आ जाए। ये एरिया बहुत खतरनाक बा, हमार बात मानी भैया के संगे जाए, सेफ रहा। तू लोग भी बोला ना भाभी भैया के संगे बाइक पर बैठ जा। एक बार फिर भैया के संगे बाइक पर जा। बताना सवेरे केकर मुंह देख लेनी। लंपाट लगावनी सबकर वाट। बॉयज 1 2 3 आपन गांव के मौसम के ता हाल बतावा। हां एकदम भड़कीला बा, गर्मी महसूस हो रहल बा। हेलो ओ बदमाश हमके भाभी बोलत रहे और तो ओकरा के मना तक ना कइला। काहे कि हमके रिश्ता एकदम मंजूर बा। तोहार तापमान कुछ ज्यादा बढ़ रहा बा। हॉल पहुँचे में कितना देर लागी? बिना ब्रेक मारले 20 मिनट, ब्रेक मार मार के 40 मिनट। 10 मिनट में ना पहुँचा सकी। ज्यादा तेज चलाए तो तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्बाद हो जाए, फिर सेल्फी कैसे ले बहू। तब फिर शॉर्टकट से चला ना। हम जिंदगी में शॉर्टकट लेके आगे बढ़े में यकीन ना करे, नहीं लंबा रास्ता पकड़ के मेहनत कर चाहे नहीं। इनके भाई के सबके चलान काटा मार। बोली तोरे से करो बेटा, बेटा ही महीना पिए के खर्चा तोरे से निकालब। हेलमेट काहे निका पहन ले तू, कुदरती हेलमेट पहन ले बोला। लाइसेंस लाइसेंस आरटीओ में निकल ले रही। हाँ? अरे तो यही जो निकाल। एगो मौका गई, पेपर सवेरे पढ़ के आयल बन। हाँ तो हम का अनपढ़ बानी, लावा दिखावा। दूसर का मौका भी गई, इंश्योरेंस का भाई कोनो पंचलाइन ना बचल का। चला दिखावा दिखावा। लग गई जैकपॉट। इंश्योरेंस के तो जनाजा निकल गई। रिन्यू काहे ना करवाइला? ना करवाई नहीं। अरे वह तो पूछत बानी काहे ना करवाइला? ना करवा सके नहीं। तू ना करवाई बा त का हम करवाई? तो के करवाए के बा हमके। ए तोहार बाइक के इंश्योरेंस पेपर बा, रिन्यू करवाला ना त कोनो और सिग्नल पर कोनो और पुलिस वाला तोरा से रिश्वत मांग ली। हां अरे इत एकर ना हमरे जनाजा निकलल बा। अरे इत रद्दी बा रद्दी, 6 महीना पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गए, अभी तक रिन्यू ना करवाइला। हां हम पुलिस वाला बानी, रूल तोड़ब तबो चली, बाकी तू पब्लिक बाड़े, रूल तोड़बे तो जुर्माना भरे के पड़ी। ए ओने का देख रहल बाड़े, 5000 निकाल हमार कट कट एट। अरे हम तो के अपन कट बताओ तनी, तू होने केकरा कट बताओ तारे। ऊ वाला अलग कट बा। वहाँ बालकनी से एगो दोस्त तोहार रिश्वत के डिमांड के पूरा रिकॉर्डिंग कर लेले बाड़ी, कैमरा से सब शूट कर लेले बाड़ी। अब तोहारी वीडियो हो जाई वायरल। हाँ, अरे ये तो पुलिस वाला के ही एमएमएस बना देलस। हमार छोट छोट बच्चा बा, हम उनका इकलौता बाप बाली। उन लोग के मुंह से उनका निवाला मत छीना। यदि व्हाट्सएप पे डाल देबा तो पूरा दुनिया देख ली, हमार का होखी। हमरा के टकला समझ के माफ कर दो यार। जा टकले। हाँ। तू भी का याद कर बे। बाकी ओकरा से माफी मांगे के पड़ी। अगर ओकरा से माफी ना मांगला तो तुम्हार वीडियो वायरल कर दी। केकरा से माफी मांगी? बालकनी में जो लड़का खड़ा बा ओकरा से। एकरा के लड़का कहाँ दिखाई दे रहा बा? तगड़ा बा, लगता रोज जिम जाएला। टकला के नजर खराब बा, छाती पर भी बहुते काम कैले बा। सही जा रहा बड़े, एकदम सही जा रहा बड़े बे टकलू। इला अपन पेपर और हमरा के करम माफ। भाभी के ले जाओ उदास बड़ी। हाँ, भाभी शादी सुहागरा, वाह। संभल के जाइए। पहले ओकरा से माफी मांगा। तू भाभी के लेके जा, हम उन लड़का से माफी मांग ले। भाभी माने हमार भी। बाय भाभी। धूप में दिमाग भी चल गई बा। ब्लू शर्ट वाला भाई, हमरा से गलती हो गई, माफ कर दा। हाँ? तो हर चाचा जैसे बानी, माफ कर दा हमके। सोनी जी बाहर आई, पुलिस वाला गंदा गंदा इशारा कर रहा है हमके। बोलनी लो सॉरी, माफ कर दा। बेशरम हमारा भाई के छिड़ रहा बा, तनी अपन फोन देता। हमार उम्र के ध्यान रखा। ये शूट करके व्हाट्सएप पे पूरा इंडिया में फैलाई। हम सॉरी बोले ऊपर आई का। लेकर तो नौकरी जाए के ही चाहिए। हमार छोट छोट लड़का बा। वो ट्रैफिक पुलिस भी हमके भाभी बोलत रहे, बाकी तू कुछ ना बोलला। वो हमके भी तो भाई बोलत रहे ना, एक मतलब थोड़े की मेला में बिछल भाई बा हमार। देख लो कितना जल्दी हॉल में ले आए। नहीं ए, 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 सुना टकला के भाभी। हाँ? हाँ? एका, तो भी हमके भाभी बोल ला? अब जब नाम नहीं के पता तो कुछ तो बोल के बुलाई। वैसे भी लगा था तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे के थैंक्स कल ना सिखले वाला। पता बा, हम थैंक्स जरूर बोलती यदि तो सबके भाभी बोले से मना कर देता। ओ एगो गुंडा हमनी के जोड़ी नंबर 1 समझ लस, ए लिए तोरा के जोश में भाभी बोल देलस। एगो उजड़ा चमन पुलिस वाले के लगल कि हमने मेड फॉर ईच अदर बानी, तो वो तोरा के भाभी बोल देलस। अब तक जॉन कुछ भइल और जॉन लोग बोललन ओकरा से यह लगा था कि पब्लिक के डिमांड बाजे के 2 in 1 ना 1 समझलन। हम तो हार तू हमार, तू हमार हम तो हार। दिमाग तो ठीक बा तोहार। ओ गुंडा के काकल बजाए वो जोड़ी पहचानी और पुलिस वाला के त रिश्वत लेवे से ही फुर्सत नहीं खे। बड़ाइल भाभी के देवर। भाभी अरे 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 काबा, हम ना बोलनी यार। क्यों अपन भाभी के बोला होता, हम क्या करें? इज्जत के फालूदा कर दे। मिस्टर अजय स्टाइल गुरु, बेइज्जती के काउंटडाउन शुरू हो गए। घर से तो बहुत ठाठ और स्टाइल में निकल दे रहा है। अब तो राशि भी गाबा। क्यों पिटलस का? क्यों पिटलस था ना, लेकिन चोट लागल। अच्छा वैसे तू हम के हमार फ्यूचर भाभी से मिलवा वाला रहा तो कहाँ बाड़ी हो? कहाँ बाड़ी दिखाई नहीं दे? गायब हो दिखा। सीआईडी के बुलाई। मजाक उड़ाता रहे हमार, काहे कि तू जानत रहे हमके क्यों ना मिली। इट्स ओके, आज ना तो कल मिल ही जाये। दोखी कहाँ हो रहा बड़ा डार्लिंग। आजकल के लड़की लोग बहुत स्मार्ट हो गई बाड़ी। 99 मामला तो स्कूल में ही सेट करने मिली। अगर स्कूल से निकलनी तो कॉलेज में केहू न केहू तो सेट कर ही ले। अगर कॉलेज में वो सती सावित्री रह गई तो ओकर माँ बाप पिछला जन्म में कौनो पुण्य कैले हुई हैं। लेकिन ऐसा जो माँ बाप होखेले उनकर बेटी हमनी के पास फटकी है ना, तो ऐसे में हम का कर सकेली यार। सॉरी यार। यहाँ पे हमार बैंड बजाता और तू हंसता रहे ना डार्लिंग। तू लड़की पटाई के प्लानिंग कैला और कुछ हाथ ना लगा। हम साफ दिल से ही नहीं और अकेला से दुकेला बन गए नहीं रहे। उनका 1000 के भीड़ में एकदम अलग और हटके नजर आई। सही बोलता रहे ना। ज्यादा उछल मत ना तो लूंगी निकल जाये। चल तो हर नंबर भी जल्दी लग जाए। वेलकम अंकल। आई 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 ये लड़की की वीडियो तो आजकल बहुत वायरल हो बा। छी हम कैसे वैसी ना चाहिए। कितना शर्मा रहल बिया। हेलो भैरव बोल रहल बानी। तो सब मेहमान वापस चल गए लन? हाँ चल गए। बाहर के लोग भी चल गए। तिरुनेलवेली से आवे वाली महेश्वरी भी चल गई बिया। उए 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 उए। शाम के 5:30 बजे के ओकर बस बा। तो कहता हम बस नंबर और सीट नंबर बता दी ही। ना 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 ओकर कोनो जरूरत नहीं है। प्लीज हमके व्हाट्सएप कर देना, बहुत आसान होगी डार्लिंग। कितना बार कहने की मर्द बन मऊगा ना। महेश्वरी मैनेजर सर के घर से निकल गए। वो 5:30 के बस से वापस जा रहा भैया। तका तो कर जाए से पहले हम सोचा तनी तनी सेटिंग वेटिंग कर ले जा। लड़की पढ़ाई के कोनो ताबड़तोड़ टिकड़मबाज आइडिया दे ना। अब हम तोरा कौन आइडिया दें यार, सारा आइडिया तो पुराना हो चुका बा और लड़की लोग के उल्लू बनावल भी बहुत मुश्किल बा। एक खातिर तोरा आप कुछ नया सोचे के पड़े। हाँ। तो बीच रास्ता में ओकरा के फूल देके अपन मन के बात ओकरा से बोल दे। मम्मी कसम तोरा झोली में आ जाई। हाँ। और अगर ओकरा बात भी तोहार झोली में ना आये तो सीधा ओकरा के पकड़ कोना में ले जा और चूम ले। अभी तक यहीं पर खड़ा भी है। कहानी ना बाइट बाहर बड़े का चल चल बाइट चल चल जल्दी कार को ऑटो चालू कर बे। सेंट्रल मिनिस्टर के बेटा के हाथ लगाओ लसू हम आवत पानी बस जी पोछल। लड़की केने बिया अंदर ही हुई चली देखल जाए। ट्रेवल्स कहाँ बा? वो जोन पीला बोर्ड बना जैसे दाएं मुड़ते। हाँ, धन्यवाद। मंतोष, तू उन्हें देख, ए बोला, तू उन्हें देख। आने जा। अरे चला। जाई बस 5 मिनट में जाई रवा इजे रही। ठीक है भाई पूरा लड़की भाई लड़की मिल गई। हाथ पे वार कैले रहे। हेलो, हाँ सर। रुकिए सर। पीके बोल रहा बानी। भाई रवा फोन कहीं नहीं। अरे हमके सच में पता ना रहे कि लड़की राहुल कुछ लागे नहीं। लड़की के छोड़ दे विक्रम, बहन जी के छोड़ दे, छोड़ दे। समझ गई भाई। तोहार खातिर तोहार बेटा के हाथ जरूरी बा कि होकर गर्दन। माफ कर दी भाई, गलती होगी हमरा से। अनजाने में हमरा से एगो गलती हो गई, माफ कर दो भाई। हमारे बेटा के जान बच गई बा, अब रवा भी अपन घर जा सके नहीं। ए विक्रम चल रे, चला सब लोग। रुका रुका, सुनाई नहीं के देत का? रास्ता से हटा, हमके घर जाए के बा। तू बाड़ू के और ये सब का बा? जान के का करबा? हमके जाने के बा बस। बाकी हम बताए ना चाहिए। तोके बताए के ही पड़ी, बताए बगैर तोके जाए ना दे। बस ये जाने चाहेला ना कि हम के बानी। तिरुनेलवेली जिला, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर हमार गाँव बा। सदियों से हमने के परिवार उहे पर रहेला। हमार दादा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बाड़े और बाबूजी पुलिस इंस्पेक्टर। माना बिया, बाकी माई जैसे ने को दीदी बिया, उनकर एको बेटी बिया जोन हमनी के संगे रहेले। हमनी के संगे हमार मामा भी रहेलन। वो हमनी सबके बहुत ध्यान रखेलन। हमार दादा बाबूजी के जैसन हम भी लोगन के सेवा करे चाहत रहनी। एको बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेवे खातिर हम चेन्नई आईनी। वहाँ हमार जैसन डॉक्टर बने के सपना हजारों स्टूडेंट्स लेके आयल रहे जा। वहाँ पर हमार भेंट केरला के एगो लड़की से भइल, वैशाली। तो हर परसेंटेज का रहल? 97.25। ओ हमार भी उतने रहल। ओह बढ़िया। हमने सब बेसब्री से इंतजार करत रहनी कि हमने के सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाए। हमने के रउआ लोग के सूचित करे चाहेनी कि सरकारी कॉलेज के सारा सीट भर गइल बा। 0.25% से एडमिशन ना मिलना पर बहुत स्टूडेंट कॉलेज से मायूस होके वापस जाए लगलन। एकर कारण ये रहे कि सरकारी कॉलेज में साल के फीस खाली 30,000 रहे, जबकि निजी कॉलेज में पढ़ाई करे खातिर 15 से 20 लाख लग जात रहे। तू पैसा की चिंता मत करा, तोके डॉक्टर बने के बाना। तोहार सपना तोहार बाबूजी पूरा करिए। तू बस अपन सर्टिफिकेट्स तैयार रखिए। चला बहसदा। धन्यवाद बाबूजी। 0.25% से एडमिशन ना मिलल, हम इंजीनियरिंग ही कर लेब। ना बेटा, हम तोहार एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करवाई। प्राइवेट कॉलेज? हाँ। हमने एकर फीस कैसे भर पाई पापा? अपना घर बेच दे जा। घर बेच दिया जाए? हाँ। फिर हमने सब कहाँ रहब? एडमिशन लेवे के बाद तो हॉस्टल में रहली और हमने के एगो छोटा को घर किराया पर लेके रहले। हमके ये सब ठीक ना लग रहा बा। चला आजा आजा पापा, हमरा संगे चल। तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। जदी तू डॉक्टर बन गई लो तो घर फिर खरीद लेबू। शायद अपना बाबूजी के बेसी खुशी दे सकबू। बाकी अपना सपना टूटे मत दिहा। अब जा। आओ बेटा, चलो। वैशाली रैंक 102 अलॉटेड टू पीके मेडिकल कॉलेज तिरुनेलवेली। मुबारक होखे, सीट मिल गई। हाँ पापा। आर महेश्वरी रैंक नंबर 105 अलॉटेड टू पीके मेडिकल कॉलेज तिरुनेलवेली। हम दोनों का एडमिशन तिरुनेलवेली के पीके मेडिकल कॉलेज में हो गई। एक नया उमंग लेके हमने के कॉलेज गई नहीं। हमने के बैच वहाँ के पहला बैच रहे। अरे तनी बोर्ड घुमाओ भाई। अरे तनी सुनी। हाँ? बिल्डिंग तो पूरा बनल ही नहीं है, तब प्रोस्पेक्टस में एगो आलिशान बिल्डिंग के फोटो कहाँ दिखाई नहीं? बने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लगी। चला चला वो पत्थर जल्दी सरकावा वहाँ से। हाँ 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 बस। आ बेटा। आज 6 लाख रुपया निकाला। बाकी फॉर्म में तो लिखल रहे कि 2.5 लाख फीस बा। अरे वो सब छोड़ा, 6 लाख भरे के बता भरा ना तो यहाँ से निकला। यहाँ के सीट पावे खातिर लोग 10-10 लाख रुपया लेके खड़ा बाड़े। अब बताओ जल्दी का करे के बा। बाकी की फीस कॉलेज खुलने के बाद भर दे। ये चेट काहे दे रहल बाड़ा? हमके रसीद चाहिए। तो रसीद से मतलब बना? रसीद का करवा? 12th में 95% स्कोर कइला के बाद भी हमने के निजी कॉलेज में कोनो इज्जत ना हो खेला। बाकी कम नंबर लाए वाला यदि 10-15 लाख दे के मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले ले तो वो लोग के आगे पीछे सब घूमेला। फिर हमने के अपना हॉस्टल के देखे गई नहीं। हमके हॉस्टल देखे के बा। तू ओजा निकल जा सकत काहे? वहां कंस्ट्रक्शन चल रहल बा। कंस्ट्रक्शन चल रहल बा। कंप्लीट नहीं के भइल का? तू फीस भरला का? हां भर देले बानी। चलिए सर। अरे फिकर मत करो, कभी ना सब ठीक हो जाए। ओकर बाद हमने के जाके आउटपेशेंट वार्ड देखनी। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी ना रहे। सुनी, यहाँ कोनो पेशेंट नहीं खे। कॉलेज अभी अभी खुलल बा मैडम, बस तनी इंतजार करी, पेशेंट अपने आप आजी हैं। आपन देश में रोगी के कोनो कमी बा का? सभी बात से बहुत परेशान रहे। सर ओपीडी में एको पेशेंट देखे। ई का ओपीडी के बात कर हल बाड़ा, क्लासरूम भी तैयार नहीं थे। बाकी फीस तो पूरा ले लेलस। फीस भरला के बाद हमने के संगे स्टाफ के रवैया बदल गए। यहाँ का मीटिंग चल रहल बा। तू लोग अपन टांग मत अड़ावा, चुपचाप निकले यहाँ से। कॉलेज में ये सब का हो रहल बा? हेलो, मालूम भाई केकर कॉलेज है? फिर हमने के कॉलेज के चेयरमैन के पता चलल, वो एगो कसाई रहे। ओकर नाम रहे प्रवीण कुमार। पहले वो कसाई के काम करत रहे, ओकर बाद कुछ लोकर गुंडा लोग के लीडर बन गई। काम हो जाए, शाम तक तो हर रास्ता के कांटा निकाल दे। दिन दहाड़ियों तमिलनाडु के मिनिस्टर के मर्डर कर देलस। और डॉग पर कब्जा कर लेलस। वो प्रवीण कुमार से अपन नाम पीके रख लेलस और ओकर बाद वो रियल एस्टेट में अपन कदम रख लेलस। हमके मत मारा। वो गैर कानूनी तरीका से अपन रियल एस्टेट के बिजनेस फैलाइलस और कसाई से बिजनेसमैन बन गई। पीके प्रमोटर्स के अपना एगो नया पहचान बन गई। ऊंचा मकाम हासिल करे खातिर और अपन जेब भरे खातिर वो पता लगैलस कि कौन धंधा में घुसे के चाहिए और वो एजुकेशन के चुनलस। इतना ही ना, खुद अंगूठा छाप होखला के बावजूद वो अपना खातिर अंग्रेजी लिटरेचर में डॉक्टरेट की डिग्री खरीदलस और ओकरा बाद बहुत सारा मेडिकल इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज खोलस। समाज में इज्जतदार दर्जा हासिल कइला के बाद वो अपना गैर कानूनी सब काम कोटा वीरन के सौंप देलस। ए, भूल जाओ ओकरा। ना होगी, हम एकरे साथ जियब, भगवान भी हमके रोक ना सकेले। तो तू फैसला ना बदलबो। हां? देखा तानी कैसे ना बदलबो। उस दिन में करा के भुला जाइए। आपन जाति में शादी करैया, माँ बनला के बाद सब ठीक हो जाएगा। चल जा। ओकर खाली एगो कमजोरी बा और वो बिया ओकर बीवी। भाई भाभी इंजेक्शन लगवावे से मना करत तारी और कोटा के पत्नी महीना दिन से बीमार बिया। जानू, हम आ गए नी। सुई तो लगावे के पड़ी ना। ना, दर्द हो खेला। ई बार ना होखी। लगावा। ना। ए, तनी रुक। चल लगाओ। हो गई ना? हो गई कि ना? हो गई। देखलू दर्द ना भइल ना? ना भइल। कोनो बात ना, आराम से। कॉलेज ज्वाइन करके 1 साल हो गई, फिर भी कोनो फैसिलिटीज ना रहे, प्रोफेसर्स के भी कमी रहे। हमने के पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा है। एक दिन हमने के एकर खिलाफ विरोध कईनी और हमने के लेक्चर अटेंड करे ना गईनी। चला उठा, अपन क्लास में जा। हम नहीं ना जाए, तू क्या बड़ा चेयरमैन के बुलावा। साला चेयरमैन के यहाँ बुलेबे, इतना हिम्मत दो, खोपड़ी उड़ा दे। जाए दी सर, ओकरा मत मारी प्लीज, हमने क्लास चल जाए। चला फुटा, निकल जा यहाँ से। कहीं ना चला जल्दी। फोन मत उठाइया। काहे? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े वाला हमनी के फ्रेंड्स अब तक कितना कुछ सीख गए बाड़े। बाकी हमनी के हालत देखा, बिना फैसिलिटीज के कॉलेज में हमनी का खाक डॉक्टर बनब। अपन पेरेंट्स से कैसे बात करी जे हमार पढ़ाई खातिर अपन घर बेच दिले। हम सब लोग मिलके एको फैसला लेनी, काउंसिल के शिकायत करे खातिर हमने एको मेल लिखनी। दिल्ली से ऑफिसर्स की टीम इंस्पेक्शन खातिर आई, बाकी पता ना कैसे पीके के पता चल गई। वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पेशेंट्स बना दिलस ताकि ऐसा लगे कि पेशेंट्स के कमी नहीं है। हाथ तनी दुखत बा सर। के बड़ा तू? सर हम पीके कॉलेज की स्टूडेंट बानी। चेयरमैन साहब हमके यहाँ लेटे खातिर 1000 रुपया देले बाड़े, हमरा साथे 20 लोग और बाड़े। साहब रहल बा यहाँ कोनो मेडिकल प्रैक्टिस ना हो रहल बा, ई क्रिमिनल प्रैक्टिस बा। चलो पैसा के दम पर कॉलेज में भीड़ लगा दिलस ताकि लागे जैसे कोनो प्रॉब्लम ही नहीं है। रवा के बानी एटॉमिक प्रोफेसर एकर पल्स देखी, पल्स चेक करी। मर गई क्या करल बानी डॉक्टर? मर बाबू तू स्टेथोस्कोप के ऑन भी ना कैला तो एनाटॉमी प्रोफेसर बड़ा। के बड़ा तू? हम पीके इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बानी। एक दिन खातिर डॉक्टर बने खातिर कहल गई रहे। कितना पैसा मिलल? हमके 5000 रुपया मिलल। और सारा स्कैम खुल गई। रवा लगे एक दिन में कम से कम 300 पेशेंट होके के चाहिए, बाकी खाली 3 गो पेशेंट बा। प्रोफेसर के कमी बा और लैब भी नहीं है, ऐसे में स्टूडेंट्स कहाँ सीखिए। रवा सब लोग के धोखा दिले बानी। चली छोड़ी, ये बताएं कि मामला के कैसे दबाइल जा सकेला। माने रिश्वत यहाँ तक पहुँचे खातिर तू लोगन के बहुते रिश्वत देले हुक्मा। भीतर करवा दे। का हम कर रहल बड़े, हमने के तोहर कॉलेज ही बंद कर देब। जा कोटा बैठ जा भाई, बैठ जा। अपना कॉलेज के बचाए खातिर पीके कुछ अलग ही दिमाग लगैलस। यार सेमेस्टर का लेके हमके बहुत टेंशन हो रहल बा। हाँ यार हमरा भी ना लागेला कि एग्जाम में पास हो पाई। चल ना का भाई, चल गाड़ी में बैठ। का भाई तो के ओकर बाद ओकर दिमाग में एक बहुत गंदा प्लान आयल। यस आजा। तू यहाँ आवे की हिम्मत कैसे भइल? तोहके का लागत पर हमने के मान जाई? रिश्वत देवे आयल बड़ा? तोरा जैसन ऑफिसर लोग खातिर हम एगो खास तोहफा पेश कर चाहता नहीं। ऐसा तोहफा जिगरा से रहुआ लोग अपन फैसला बदल। दिमाग खराब बा। एक मिनट बात का है। ये देखा एकरा में बहुत सारा लड़की के फोटो बा, जे भी पसंद भी बता दा। तो हर रात रंगीन कर दिए और एकरे अलावा शहर में 5 एकड़ जमीन और 2 करोड़ कैश तो हर घरे पहुंच जाए। बैठा लड़के लोग बनिए जा, प्रॉब्लम तो ना होगी। तू आम खा गुटली कागी ना तड़ा। एमएमएस तो ना बनी ना, केहू के भनक तक ना लागी। तो लोग अभी तक अपना कमरा से बाहर बाड़ू, जा और सो जा। सॉरी चला 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 जल्दी चला। माही पेशेंट के नेगेटिव ब्लड चाहिए, यदि तू देबू तो ओकर जान बच जाई। तू हमार संग के चला। हम क्या अभी बुखार बा, हम ब्लड डोनेट ना कर सकेनी। हेलो ओ लड़की नहीं खे तो फिर कोनो और लड़की चुन ला। एम वैशाली। ओकरा बाद हम तुरंत सर्च करनी कि कोनो और स्टूडेंट के खून ओ नेगेटिव बाकी ना। तभी हम देखने कि वार्डन वैशाली के अपना संगे ले जाते हैं। हम वैशाली के ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, वो बी पॉजिटिव रहे, तभी हमके लागल कि कुछ गड़बड़ बा। हम देखे गए नहीं कि आखिर मामला का बा। कोटा विजन वहां खड़ा रहे। हमके समझ में ना आये कि का हो रहा बा। हम वैशाली के कॉल करें। फोन स्विच ऑफ करें। सवेरे सवेरे हमके एगो फोन आई। हेलो, सहेली हमारे बच्चे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पैसा देके बदलवा देलस। यदि हम मौत के वजह बता दे तो कॉलेज के नाम बदनाम हो जाए। बाकी हम हमेशा सच के साथ देवेनी। कभी कभी जब छोट गांव के लड़की लोग शहर में आवेली तो स्मार्टफोन, महंगा कपड़ा और गहना के चाहत में कॉम्प्रोमाइज कर बैठेली। ऊंचा घर के लड़का लोग के जाल में फंसावेली। ई का बोल रहल बा? अफसोस ये लड़की भी समझौता के लिए भी ना, ना रहे। वो हमेशा नशा करके हॉस्टल में आवत रहे। वार्डन भी ओकरा के बहुत बार मना कैले रहे। सही बोली। बाकी वैशाली क्योंकि सुनती ना रहे। सब इल्जाम झूठा बा। और तो ऊपर से वो ड्रग्स भी लेते रहे। वो रात के वो नशा में पूरा तरह धुत रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखल बा। देखी वैशाली ऐसा लड़की ना रहे, ओकरा पर ऐसा इल्जाम मत लगाई। वो एकदम सीधा साधा रहे। रवा सबसे झूठ बोल रहल बा। ई झूठ बोल रहल बा। सुनी रवा लोग, ओकर बेस्ट फ्रेंड भी बात से अनजान रहे। बेचारी सॉरी। माही बेटा का भइल? आपन सहेली वैशाली की अदावत बा। वो अपना माँ बाप के छोड़ के पढ़े आयल रहे पापा। वो बहुत बढ़िया लड़की रहे। ओकर माँ बाप पुलिस में कंप्लेन भी लिखवाइलन दा। पुलिस वो लोग के बेइज्जत करके धमका के भगा देलस। वो लोग वापस केरला चल गइलन जा। हम केस करब पापा। आप भी तो इंस्पेक्टर बनी ना, आप अपना बेटी के साथ ना देव का बोली पापा। इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ ना देव। हम हमेशा तोहरा संगे बानी बेटा, फिक्र मत करा। बाबूजी के पुलिस में होखला की वजह से हमने के पीके के खिलाफ गई नहीं और पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई नहीं। हम कहत बानी एफआईआर दर्ज करा। बढ़िया घर के एगो होनहार लड़की समाज में होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए यदि अपना ही कॉलेज के खिलाफ केस फाइल कर ले बिया तो कोर्ट के भी जिम्मेदारी बनेला कि हमनी के ओकर केस के एक्सेप्ट करी और ये रेप और मर्डर केस के कार्रवाई शुरू करी जा। इसलिए कोर्ट के अगला सुनवाई से पहले महेश्वरी कॉलेज के ऊपर जौन वैशाली के हत्या के आरोप लगैले बाड़ी ओकरा के साबित करे खातिर महेश्वरी के जरूरी सबूत और गवाह पेश करे के पड़ी। कोर्ट कॉलेज के ई भी आदेश दे रहल बा कि केस के वजह से महेश्वरी के पढ़ाई पर कौनो असर न पड़े के चाहिए, न ही ओकर खिलाफ कोनो तरह के जाति होके। और ई केस के आखिरी सुनवाई होगला तक महेश्वरी की जान के कोनो खतरा ना होके के चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर होखला के वजह से उनकरा के बहुत फायदा भइल। छोट से छोट सबूत जमा करे में उनकरा के कोनो परेशानी ना भइल। हम के ऐसे काहे देख रहा बाड़ू, तो के देख के लागता जैसे देर रात तक तोहार बाबूजी ड्यूटी करके घर आवत रहलन। कोटा पीछे से लॉरी लेके आवत रहे और तोहार बाबूजी के जोर से ठोक देलस। तोहार बाबूजी बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ल रहले। हम भी वहाँ पर रानी तोहार बाबूजी के नीचे से ऊपर जाते देखत रहे। वैसे ही कहानी सच्ची घटना पर आधारित नहीं खे, बाकी फिर भी तू लोग तनी संभल के रहिया, घबरा मत। फैसला आवे तक तुमके कुछ ना होके वाला बात, ठीक बा? के अपन ताकत के इस्तेमाल कइलस, वो हमारे घर के पानी बंद करवा देलस और बिजली भी कटवा देलस। कितना बार कंप्लेन कइले बानी, बिजली अभी तक काहे ना आई? ट्रांसफार्मर उड़ गइल बा, बन जाई त आ जाई। कॉलेज में प्रोफेसर टॉर्चर करे लगे। का मजाक बा, लगातार पान खा के तुकल बा। तू लोग मेडिकल कॉलेज में झक मारे आवेलू, गाय चराए लायक ही बाड़ू तू लोग, निकला यहां से। बेवकूफ कहीं के। वो लोग इतना टॉर्चर कइलन कि ऐसा लागल कि हम कॉलेज छोड़ के भाग जाएं। तब हमके हमार सहेली के इनविटेशन मिलन। वो गुंडा लोग जौन लड़का के हाथ कटलस, वो असल में सेंट्रल मिनिस्टर के बेटा बा, हमार अच्छा दोस्त बा। वो कार हमार सहेली वैशाली के सर्किट हाउस लेके गई रहे। हमके लागल जैसे सर्किट हाउस के सामने लगल सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गई होगी। बाकी फुटेज खाली नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर ही रिट्रीव कर सकेला। ए लिए हम अपन स्कूल के दोस्त सेंट्रल मिनिस्टर के बेटा राज के ही काम सौंपनी। हमार फोन, पोस्ट, ईमेल सब कुछ पीके के निगरानी में रहे और अभी भी बा। ए लिए वो बोलस कि वो सब सबूत शादी में लाके दी। जब वो बुके में छुपा के पेन ड्राइव देते रहे, पीके के गुंडा लोग होकर हाथ पर वार कर देलस और पेन ड्राइव ले गईलन। पीके के गुनहगार साबित करे के इकलौता मौका हम खो देनी। पीके केस के जीत के अपन कॉलेज के नाम बदनाम होके से बचा ली। इतना कुछ करके भी हम कुछ ना कर पाईनी। सुनवाई में अब बस एक हफ्ता रह गई बा। वो केस के जीत के सीधे हमके अपन आदमी लोग से मरवा दी। अब तो के पता चलन हम के बानी, तसल्ली मिल गई। देखा हम हो सकेला तो छोट मोट गुंडा और बदमाश लोग के ठीक कर ले हुक्बा। बाकी ये सबसे अलग बा, यदि तू हमार पीछा करे के कोशिश कइला तो बेमौत मर जाइबा। अब जा। मैडम, राउर बस आ गई, जाके बैठी। ए पांडे के बाड़े उलई का कौन हमारा आदमी के धुलाई कैलस? अबे उलई का बात कर रहा जे उलई के धुलाई कैलस जाने ले केकरा से बात कर रहल बाड़े पता बा हम के बानी। अरे तू सब पोपट के तरह हम के बानी काहे रट लगावेला भाड़ा के तू अपन माई के कोख में 20 में न रहला की तोर हाइट हमार मजाक उड़ावता है। तोर कैरेक्टर दिमाग में छप गइल बा। तो बकरा हलाल के घर चली लौकरा बाद लोगन के मार के माल के मिला फिर अपन नाम बड़ा करे खातिर कॉलेज खोलला और पूरा शहर में चैंपियन एजुकेशन के पोस्टर लगवैला बकरा चोर। तोके तो हर सवाल के जवाब दे देनी तोहार सामने तोहार कुंडली खोल के रख देनी। अब हम पूछे तानी चल हमारा नाम से पहला अक्षर बता दे। हमू बारूद बानी जकरा फटला पर खाली आवाज ना होला तबाही भी मचेला। तो के बड़े पता लगाए में ज्यादा समय ना लगी हमार हाथ लग गई तो छोटा छोटा टुकड़ा कर दे तोर। ए, बीपी का बढ़ावेला तू यहाँ अपन गाड़ी टट्टू और ताम झाम लेके आईबा अपन आदमी लोग के खाए के दारू के डीजल के खर्चा करवा और फिर बेकार में बैंड बजवेबा। इतना तकलीफ क्या उठा रहल बड़ा हम आवता नहीं ना खुद तोहरा लगे। कल सवेरे ठीक 11 बजे तोहर दरवाजा पर खड़ा रह देखा तनी तू हमार का बिगाड़ लेवा और हम तोहर कितना बैंड बजाए। रेडी रहिया तोहर जिंदगी में उंगली करे वाला आ रहल बा। 600 किलोमीटर दूर बैठ के बहादुर दिखा रहल बाड़े। फोन पर तो कुत्ता भी धमकी दे सकेला अपन हाथ से काटब तो के। अबे 2 टका के कसाई काटेला था कुत्ता भी। हमरा में एगो बुरा आदत बा जौन आजकल लोगन में ढूंढे से भी ना मिलेला। हम सीधा काम उल्टा तरीके से करीला समझ ले कसाई। ये सब करे के का जरूरत है और अब करबा? हमके क्या पता हम क्या करब। हम तो बस वो न जॉन मुंह में आवत गए बोलत गए नहीं सोच अब बाद में। ये लव स्टोरी दुनिया याद रखे। वो 100 टक्का ना है भाई वो हमनी के 10 को आदमी के कुत्ता के जैसन धोलस जकरा के धोलस वो चेन्नई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लटक रहल बाड़े। बात तो सही बा वो आई आवे के ही पड़ी देखा तो सही के। हाँ भाई पूरा शहर में राउंड पोस्टर काहे लगल बा? पोस्टर कैसा पोस्टर बाबू रघुआ ना देखनी अपन बंगला के दीवार पे भी लगल बा आई देखी। सुपर ना बम्पर हिट पीके चैंपियन ऑफ एजुकेशन भोजपुरी में कर काम बा पता ना। भाई आपके फिल्म तो एकदम हिट हो गई बा हम तो एडवांस में बुकिंग करवाइला बानी। फैमिली के साथ जाता नहीं बाकी तो सब ठीक बा भाई लेकिन टाइटल तो नहीं अलग रखे के चाहत रहे जैसे शेर दिल कसाई के बदला कसाई बानी सबके खबर रखेली कसाई नंबर 1+1। दिमाग खराब बा फोन रख। ऑटोग्राफ खातिर फोन कैले रहे। अरे निकाल। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयल बने घर के तलाशी लेवे के बाद आपके फिल्म के 5 लाख पोस्टर पूरा शहर में लगल बा। शहर में पोस्टर लगवाए और छपवाए में 10 करोड़ खर्च भइल होगी। शहर के स्टैचू सर्कल पर बाहुबली हमार आगे खली बली ई पोस्टर भी लागल बा। फिल्म बनाए में और 100 करोड़ के खर्चा हो गए तो हमने जानल चाहता नहीं की पैसा आ कहाँ से रहल बा। पेन स्टैंड बाका सेल फोन जाइमर 2 किलोमीटर के इलाके में नो इनकमिंग नो आउटगोइंग। गेट बंद कर रहा है अंदर से क्यों बाहर ना जा सके बाहर से क्यों अंदर ना जा सके जे जहाँ बा वहीं रही के होशियारी ना करी ढूंढा रहा है। रुआ से अकेले में बात करे के बाद एजा तू का करे आल बड़े 2 टका के गुंडा ऑफिसर पर हाथ उठा रहल बा। अरे बंद करे रखे कौन आराम से बैठ जाएंगे। रोज कितना आदमी के खाना बनेगा? अकेले साहब जी के, हम तो बाहर खाए नहीं जी। और तो भैया का खालन 4 गो इडली और 2 गो रोटी, बस इतना ही खालन। चार इडली 2 रोटी 6 सिलेंडर, बहुत नाइंसाफी बात। गाड़ी पा अब चलेला ना, बाकी इमोशनल अटैचमेंट बा ना। रवा चाहिए तो हम खोल के दिखा सके नहीं, सच में कौनो गड़बड़ नहीं खे। हाँ, गाड़ी के ढकेले के पड़ी। बंद कर लिए दरवाजा, तू काहे खोल रहा बारे? उनका रखे गुस्सा आ जाएगा, यहाँ से भी पैसा निकाल लिए और बंद कर दिया तो क्या बेवकूफ कहेंगे। अरे माय देखा जेम्स, दूसरा मंजिल पर एगो हम लॉकर देख ले बानी, ओकरा खोल के चेक कर ला, ओकरा में भी कुछ कीमती हो सकेला। एक बार कोना में बात करके देख लेना। अच्छा से सर, चिंता मत करिए, बस फॉर्मेलिटी बा, प्लीज साइन कर दी। और सुनो, ऑफिसर से बात कर लिया कि आगे के कार्रवाई में कौन कौन चीज लगी। निकला रहा दरवाजा पीट के तोड़ दिखा। अरे ओकरा के निकाल जा, दरवाजा खोल के जा। भाई कोनो इनकम टैक्स ऑफिसर ना रहे, उहे आदमी रहे जो हमनी के बस स्टैंड पे मरले रहे। ई का हमनी के इलाका में घुस के हमनी के शेर के चूहा बना देला। अरे ओकरा छोड़म ना हमनी, चल चल चला चला जल्दी, चला जल्दी। कारे कसाई। आप जदी तोहार कोनो पालतू कुत्ता हमरा के छुलस भी तो तू सलाखन के पीछे हक में समझ ले। जा तू हमरा साथे दो दो हाथ करके अपन सामान लेवे आयल बाड़े ना। तोर सामान लेवे खातिर जब हम सॉलिड गेम कर सकीला तो सोच छुपाए खातिर काका के लिए हो खा। सामान अपन सही जगह पर पहुंच गए बस सही टाइम पर वापस आ जाए। जाने ले वो सही टाइम कौन बा? कोर्ट के तारीख तक जौना कोर्ट में तू लड़की पर कीचड़ उछाल के सबके सामने साबित करके कोशिश के ले रहा कि तू और तोहर कॉलेज दूध के धोअल बा, वही कोर्ट में साबित कर दे कि लड़की बेगुनाह भी और मौत के वजह तू बाड़ा। ओकरा बाद तोहर कॉलेज बंद और तोहर नाम के धज्जी उड़ जाए। अब बस तू तड़पत रहा और देखा जा भैरव के तांडा तांडा तांडा। का बोलत रहे हो दिन? हमसे 600 किलोमीटर की दूरी पर बाड़े, यही से बहादुरी दिखा रहा बाड़े। आज तोरा से 6 इंच दूर बानी, जौन उखाड़ सकेले उखाड़। दम बात अच्छो के दिखाओ। ये सब छोड़, जल्दी से घर वालन के पानी शुरू कर। लाइट शुरू करवा खातिर निमंत्रण भेजी का? बिजली शुरू करवा बानी। हेलो, लंपा लगावे नहीं सब कर वार। भाई ये गाड़ी 1 करोड़ रुपया के रहे, ऐसे ही चलाते नहीं। अब जाके शांति मिलल हमके। ई गाड़ी पर पैर रख ले रहे, इलिए फूक देनी एकरा के। ई दुनिया में हमके जे भी खटकी उ ना बची, चाहे वो गाड़ी होखे या फिर हमार अपना ही काहे ना होखे। भाई अभी यही समय गाड़ी का राख होखला से पहले हम ओकरा के यहाँ पे लेके आए और यही आग में ओकरा के चलाते। अभी ना कॉलेज बनाए खातिर हमनी केकरा केकरा कितना घूस देले बानी, सब कागज में मौजूद बा। स्टूडेंट से हमनी कितना काला सफेद माल वसूलने बानी, सब में लिखल बा। पता ना कहाँ छुपेले बाऊ। ओकरा के खत्म करे से पहले सब सबूत हासिल करे के पड़ी। The reproductive system or general system is a system of sex organs in human beings which work together for the purpose of sexual reproduction. महेश्वरी, stand up. हम यहाँ लेसन पढ़ा रहा बानी, तोहार ध्यान कहाँ बा? बाकी सर हमार ध्यान टॉपिक पर ही बा। कौन टॉपिक चल रहा बा तनी बतावा हमके? अबाउट क्रोमोसोम्स एंड रिप्रोडक्शन। हमके डिटेल में बताओ चला। इंटरकोर्स, फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन, जेस्टेशन पीरियड और चाइल्ड बर्थ। डिटेल में समझले लायक भोजपुरी में समझावा। बतावा तू परीक्षा में पास होके चाहेलू की ना? थ्योरी में तो एकदम जीरो बाड़ू तू। आजकल कोनो अनजान लड़का रहे अलबा तो हर घर पर। एक खातिर तोहार ध्यान पढ़ाई में नहीं खे। चला बता दे, शर्मा मत। बोली राउर परेशानी का बात। सवेरे से पूरा शरीर में सुलेमानी खुजली हो रहल बा, दिल कर रहल बा क्योंकि कान के नीचे बजा दी। कान के नीचे ना भाई, एकर तो पूरा इज्जत ही उतार देव जा। फिर एकर बॉडी के डेड बॉडी बना के ओकरा पे तांडव करब जा। ए, के बड़े तू लोग यहाँ का हंगामा करे आयल बड़ा? डॉक्टर बानी तो मासूम समझ ले बड़ा का? हम खतरनाक आदमी बानी। दी कान के नीचे चिल्ला के बात मत करियो ना तो हमारा दुर्घटना घट जाये। सही बोली ना भाई? हम बोली ना जा, इका खेल चल रहा। कब से बोला था नहीं चिल्ला के दिमाग के नस मत फाड़। क्लासरूम में जवाब मिलला के बाद भी तोरा के डिटेल में जाने के रहे ना, तो आज आप डिटेल में जानल जा। फोन उठा, चल फोन उठा। तोर बेटी के अभी अभी शादी भेजवा ना, वही के फोन लगाओ। डिटेल में ओकरा से ही पूछा। फोन लगाओ, लगाओ फोन। हेलो पापा, हेलो पापा, हेलो पापा बोल रहा हलवानी बेटा। हाँ पापा। ओकरा से पूछे में शर्म ना आए, अब कहाँ शर्माता है, पूछ पापा। ओ बच्चा बच्चा ओ बच्चा, हम पूछत रानी के बच्चा, हम तोरा जितना कमीना ना बनी समझ ले। अगर कोनो आदमी हमसे उलझे तो हमनी उसे मार पीट करके हिसाब बराबर कर सके नहीं। बाकी ओकर जगह अगर कोनो लड़की होके तो का ओकरा के तब तक जलील करे के चाहिए जब तक वो अपन जान ना दे दे। एगो कान के नीचे दे, बकल ठिकाने आ चाहिए। गुरु तो शिष्य खातिर मिसाल होकेला, बाकी तू गुरु शिष्य के रिश्ता तार तार कही के अपन मर्यादा पार करके बता देला कि तू अमीरन के खरीदल कुत्ता बड़ा जो खाली लाचारन के काटेला। हाँ, यदि तोहार भी तोहरा जैसन कोनो कमीना गुरु होकर तो आज तू ये सीट पर बैठल रहता। केहू के भी इंटरनल मार्क्स कम मत करिया या कोनो स्टूडेंट के परीक्षा में फेल होके के धमकी मत दिया। कैसे कि अगर ऐसा भइल त अगला बार घर में घुस के मारा। आज के बाद ना करब। कुछ भी करा हमके उस सारा सबूत चाहिए। हम एगो तरीका सोच के रख ले बनी। बोल, बोल साला। हेलो बोला, घबराई मत, हम देख लेता नहीं। मिस्टर दोस्यासन। नारायण। हाँ यार बन जाऊंगा एक बार। वैसे खाना के प्लेट के घूर ज्यादा रहल बड़ा, खा कम रहल बड़ा, ऐसा का है? मामा बोले फ्राई करके दो, हम बॉईल करके दे देनी। ये ऐसे व्यवहार कर रहल बाड़े जैसे हम इनके कच्चा ही दे देनी। चुपचाप खा लो। मिस्टर दुष्यंत भूखड़ उठा देलस, इतना बढ़िया था बनल बा। ई कौन खाए के चीज है? अरे तो हनुमान जी के फेवरेट चीज बा। हां ओहो, तो हम शादी ना करी, हमार शादी नहीं के भइल, यही से टांग खिंचता रहा। मामा हां भाजी, बात ई नहीं है कि राव शादी ना भइल, केहू रवा से शादी कइला छी ना। हमार पोल खोलबो ना तो हम बात ना करब। टेस्टी तो लगा था। अरे सबेरे सबेरे इतना गुस्सा काहे करता? हंसा ना। अरे मूड नहीं के, सुबह से रोए वाला गाना सुनता नहीं तू, और बोर मत कर। अबे हंसा बतानी रवा के ना, हंसे की कसम खइले बानी, आखिर हंसब कैसे? मिस्टर दोस्यासन ये आपके हंसावे खातिर का करे वाली बिया? अरे हम का जानत बानी, तू जले से पहले हल्दी मत लगाबा। मामा आंख बंद करी, कसम खइले बानी हम ना हंसब। मिस्टर दोस्यासन। नारायण नारायण नारायण। देख का वैसे बस देखते जा मामा। ये तू कहलू कैसे? Too close. कितना दूर कितना पास। हम उनका के नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा देनी जोन हॉस्पिटल में यूज होखेला ना, एकरा के लाफिंग गैस भी बोलल जाला। एकरा के सुनते ही ना इंसान 10 मिनट तक पागल के जैसा हंसे लागेला। यानी कि 10 मिनट तक हंसी के फुलझड़ी बनकर चट-चट करत रही हैं। इनका के एक बार खाली छत पर ले जा, ताजा हवा खाई है तो हंसना बंद कर दी है। ओ मिस्टर दुष्यंत आवा छत पर चला जा, चला चला जल्दी आवा आवा। अरे अरे गिल गिल गिल, अरे चला ना चला। पीके आइल बकाई। मामा के कहाँ भेल? उनकरा के हंसे के दवाई देले बानी ना, लिए ठीक बा। तू जाके रोटी पका, हम अभी आवतन। दीदी कहाँ चल रहल बा? यहाँ पे कहाँ चल रहल बा? घर के भीतर कहा बाऊ कमीना? तोहर बहन केकरा लेके आइल बिया घर के भीतर? अपना खातिर लेके आइल बिया कि तोहरा खातिर लेके आइल बिया? से बात कर, हम तोहर रखे ना बानी। तोहर का इज्जत करी ना? हम अपन पत्नी पे हाथ उठाने ते बीच में आवाला के हुए बे? हमार मुंह का देख रहा बाड़ू, जाए के बोले करा के, और जाए से पहले पीके के घर से जे कुछ भी लेके आइल बा हमार हाथ में देवे खातिर बोल, बोलना जा। तो सुनला ना, इक्का मांग रहा बाड़े, माई से बोल के पीके की केस वापस ले ले, ना तो हमार पति अपना घर हमके कभी ना ले चाहिए। अब तो हमार पति की अपना भाषा में समझाओ। ई तो के एक थप्पड़ मरलन ना, तू इनका के तू थप्पड़ मारा। ए का बकवास करता रे? ए अपन पति के पिटवाए खातिर गुंडा के बुला ले बाड़ू का पति? पहले इंसान तो बन जा। चुप करा, शादी करके खाली बच्चा पैदा कैला से क्यों पति ना बन जाला? एकरा के देख, एकरा हमार बहन से मिलल खाली 48 घंटा भइल बा और ये ओकरा खातिर ढाल बन के खड़ा बा। एकरा के बोलल जायला असली मर्द। पहले ऐसन बन फिर हम इज्जत करब। तो हर पत्नी बन के जिये के बजाय ई घर में रह के हम अपना जिंदगी गुजार ले, हमके तोहार जरूरत नहीं है। देख, बढ़िया से देख, पुलिस के नौकरी से दुइये चीज मिल सकेला, ईमानदारी दिखाए से मेडल और तलवा चाटे से रिश्वत। मेडल मिलेला तो ओकरा सीना चौड़ा करके घर में सजावे नहीं और आगे वाला पीढ़ी ओकरा पर नाच करेला, लेकिन रिश्वत के पैसा चाहे जितना भी होके ओकरा घर में सजा ना सकेला। इंसाफ के रखवाला खातिर हराम के कमाई श्राप होखेला। अपन ससुर के देखा, दुनिया से जाए के बाद भी आज उस सबके दिल में जिंदा बना, बाकी तू जब तुहार खुद के बीवी तुहार मर्दानगी पर सवाल उठा रहा बिया, तही ते जीते जी हजार मौत मरे जैसन बा। बेशरम आदमी अपन जमीर बेच चुकल बा। सॉरी दीदी। समझ गई थी बॉस, तू रास्ता पर हेलमेट पहन के चल रहा बड़ा और हम बाइक पर हेलमेट ना पहनने बनी तो बहुत बड़ा इंसाफ ही बा। आगे से पहर के निकला। अरे हेलमेट के ऊपर एक और हेलमेट पहन लेला। भैया, भाभी, हमके पचलनी। यहाँ करत का बड़ा वो हेलमेट पहन के सोशल अवेयरनेस बका। ना, अपन टकला बचावत पानी। तू बढ़िया आदमी बाड़ा, तू माफ कर देला। बाकी वो नीला शर्ट वाला हमके माफे ना कैलस, हमार वीडियो शूट कर लेलस और व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल करके हमार पूरा वाट लगा देला। ओकरा वजह से हमार नौकरी भी चल गई। 11 गो थाना के पुलिस हमरा कुत्ता के जैसन ढूंढत बा। अरे लागत पर बारहवा के भी आ गई। हम जात बानी, हम जात बानी। पुलिस नहीं के माई पुलिस। ओए हैं तोहके भाई बुला रहल बड़े। के कर भाई अंदर आ, पता चल जाए तोहके। हम जाके भैया से मिल के आवत आनी, तू वकील के ऑफिस में इंतजार करा जा। भाई ए, निकल रहे। अबे तू अबे के जाने ले का कर रहल बड़े? तू ये तोर शहर नहीं के। जे ले ले बड़े वापस कर और चुपचाप चल जाओ यहाँ से। ए कौन बड़े रे? ए ए रुक। हमार सामने अच्छा अच्छा के पैंट गीला हो जाला और एकर इतना हिम्मत हमरा से पूछा था कि हम के बानी। तो तू बड़ा हो, खाली हमार प्यार और माही के वजह से तो से इज्जत से पेश आ रहल बानी, ना तो तोके का लागेला कि हम फैसला कोर्ट कचहरी और पुलिस पर छोड़े वाला आदमी बानी। बाकी का करें, हमार वाली के सिस्टम पर भरोसा बा, ए लिए तो तू और वो कसाई धरती पर बोझ होखला के बाद भी जिंदा। ये गोली में से एगो पे तोर नाम लिखल बा, जला दी का? जे भी सामान ले ले बड़े चुपचाप लौटाओ और यहाँ से निकल जो। आदमी एगो गोली छे, बहुत ना इंसाफी बा। छह गो खाना एक में गोली न तोरा मालूम है कि एकरा में गोली बना हमरा पता बा। देखा तरी एकरा में हमार नाम लिखल बा कि ना। पांच बार कोशिश करनी बाकी हमके कुछ ना भाई। कहीं ऐसा तो ना कि ये गोली पर तोहार नाम लिखल बा। ज्यादा होशियारी मत बताओ, एकरा पर केकर नाम लिखल बा। बड़ा भाई बन के घूमेला, सबके डराए वाला आज खुदे डर से कांप रहा बा। भैरव के नाम तो सुनते ही डर भी डर से कांपे लगेला। गोली कर देलस ना गीला। गोली पर हमारा नाम लिखल बना, ऐसे अब से ही हमार। एकर बाबूजी और हम कॉलेज में अच्छा दोस्त रहनी जा, बेरहमी से मार दिलस पे चारा के। हमने के तो उम्मीद भी खो देले रहनी जा। बाकी तू एगो तूफान के जैसे आइला और ऊ लोग के जड़ से हिला के रख देला। अब पी के ना बच सकेला। हम ई केस के दोबारा पढ़ रहल बानी, ई साबित करे खातिर कि ऊ एगो बड़ा अपराधी बा। देखिए कोर्ट के अगला सुनवाई में ऊ लोग के पाप के साम्राज्य के हमने तहस नहस कर दिया। बस ये सुने के रहे सर। बाय अंकल। ठीक बा बेटा। भैरव पिछला कुछ दिन से ही बिना रुकले फोन करत रहे, लगातार टावर घर में लगेले बा। सवेरे खेत में खाद डाले गए रही तो वही जाए ई एक टांग पे खड़ा रहे, हम एकरा के ले आई नहीं। अब ऐसा चेहरा बनावा कि सच में लागे कि तू पछतावत बड़ा। ई पुलिस वालन के चेहरा से पता ना चलेला कि लोग पछतावा देत बड़े कि पछतावा कर रहल बड़े। हम भी पछतावा के बारे में भीतर जाके अकेले में चर्चा करतनी। रोज सवेरे उठला के बाद भैरव स्वामी के मंदिर में हम उनकरा से यही प्रार्थना करत रहनी कि हमार पति सही रास्ता पर आ जाए। और देख साक्षात भैरव स्वामी हमनी के घर आ गए। हमार लिए तू ही भैरव स्वामी के रूप बाड़ा। अरे कहती थी कुछ भी। कोनो दिन हमार बेटी फक्र से कहे कि हमार बाप एक अच्छा पुलिस वाला है, ऐसा हम कुछ नहीं कहले। आओ बेटा घर चल जाओ। अच्छा चलता है। एक मिनट, अपन जिंदगी में सब कुछ फिर से पायल जा सकेला, बाकी अपनन के प्यार और इज्जत फिर से ना मिल सकेला। इसे बेशुमार प्यार करा, कहे कि एक असली कीमत का बा, ये हमरा देशन अनाथ ही समझ सकेला। लाई दादाजी इला एकरा भी रख दा। हाँ हाँ चिंता मत करी, रख देता नहीं। सब सामान चेक कर लेना। हाँ डार्लिंग। बाय मामा। हाँ सब रख दे। बाय 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 बाय। माही हमके बिल्कुल मिस मत करी। हाँ डार्लिंग तो हर एकदम बढ़िया से ख्याल रखी है। ठीक है महारानी, बाय बाय बाय। चला हमार भांजी की वीरान जिंदगी फिर से बस गई। लागत आई तोता महीना भी आपस में गुटुर गु कर रहल बड़े। का बोलत बड़े का भाईल होखी का दिल के करीब आवा ना आ सकेनी नजदीकी शादी के बाद। गरीब के तरह से मत तड़पावा। ना ना तो के मछली के जैसन तड़पे के पड़ी शादी से पहले तक। अरे तड़पना नाम के शब्द हमार किताब में नहीं खे। का करता रहा दादाजी, इस साइलेंट फिल्म बटे रवा ना समझ पाई। ऐसा रवा हमरा संगे आई। पीके मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट वैशाली के मर्डर केस आज एगो नया और हैरत अंगेज मोड़ लेवे वाला बा। बोलल जा रहल बा कि पीके के खिलाफ कोर्ट में आज ऐसे केस के पेश कइल जाए जेकरा से ओकर जुर्म के खुलासा हो जाए। आज फैसला हमनी के पक्ष में होखी ना बेटा। चिंता मत करी चाचा, हमनी जरूर जीतब। आओ। माही, वकील साहब से तोहार कोनो बात भइल बा का? ना, काहे? कोर्ट में अगला केस हमने के ही बा, वो अभी तक आइले ना, और उनका फोन भी स्विच ऑफ बा। का तारा पास उनका कोनो पर्सनल नंबर बा? हाँ, दादा। ई नंबर भी स्विच ऑफ बा। हम देखा तारीख का हो सके। हाँ, चला। चेन्नई के फाइटर वकील के फोन ना लगा था का लागी भी ना। दया ना बाया तरफ देख। हम दिखाई देनी। ऐसे मत देख, हम डर गए नहीं। तो के देख के तलागत जी से तोर वकील के एकलौता बेटी जौन कनाडा में रहेली, जब वो अपन पति और बच्चा के संगे गाड़ी में सफर करत रहे तो ओकर संगे कुछ हो गई। पापा प्लीज हमनी के बचा ली। कुछ गुंडा लोग उलोग के रुक के माथा पर बंदूक तान देलस और तोर वकील के फोन पर धमकाइलस। प्लीज बाबूजी, ये लोग जो बोल रहे बाड़े न मान जाई। सर सब सबूत हम रवा के लौटा देव सर। प्लीज हमारे बेटी और ओकर परिवार के कुछ मत करिए। उनका जायदा और तोर वकील उस सारा सबूत हम के लाके दे देलस। तो ये मत सोची है कि हम वो पेपर जला के राख कर देनी। कसम से हम ऐसा कुछ भी ना करनी। का बोल लसू? ये कोनो मजाक बा? अदालत में बगैर सबूत और गवाह के केस ना लड़ल जा सकेला। रउआ कोर्ट के समय बर्बाद करल बानी। बचाओ पक्ष कुछ बोले चाहेला? माय लॉर्ड, अगर कोनो सबूत या गवाह इनकरा पास होत तो एगो सीनियर लॉयर सुनवाई के दिन अपन फोन स्विच ऑफ ना करत। ऐसे ही साबित होत बा कि केस जाली और मनगढ़ंत केस बा। समाज में गरीबी से ऊपर उठ के आपन मेहनत और आपन लगन से मिस्टर पीके ये मकाम हासिल कैले पड़े और आज जो है समाज के भलाई खातिर मिस्टर पीके कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलले बाड़े। हमनी के पीएम इनके कार्य खातिर बेस्ट एजुकेशनलिस्ट के सर्टिफिकेट देवे वाला बाड़े। मैडम, ई रहल इन्विटेशन कार्ड। कुछ लोग पीके साहब के सफलता से इतना जले ले कि वो लोग उनका नाम खराब करे खातिर वो लड़की के मोहरा बनैले। हम अदालत से गुजारिश करब कि ई केस के एजे खारिज करके वो लोग के सख्त से सख्त सजा दिहल जाए जे वो लड़की के ऐसा करे खातिर उकसैले बाड़े। मैडम तेरी एक मिनट रुकी। का आपकी इजाजत से कोर्ट में कोई जरूरी बात कर सकेला? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत के आपन एगो मर्यादा है, ऐसे ही बीच में खड़ा होके केहू ना बोल सकेला। बैठ जा प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। रवा के बानी। वो लोग उनके सजा मिले के चाहिए जे लोग लड़की के उकसलन वकील साहब अभी कहलन। हम जाना था उन लोग के बारन, ऐसे हम कोर्ट में अपन बात रखल चाहता नहीं। मैडम का बोली? जॉन कुछ भी बोले के बा रवा विटनेस बॉक्स में आके बोली। वो लड़की के केस फाइल करे खातिर के उकसाइलस। बताई डरी मत। एगो सुनहरा भविष्य के सपना लेकर दूसरा राज्य से आयल वैशाली के यहाँ पर बेरहमी से खून कर दिहल गेल और मरला के बाद भी ओकरा चरित्र पर कीचड़ उछालल जा रहल बा। यह बात वो लड़की के उकसैलस। बेटी के डॉक्टर के कोर्ट में देखे के बजाय सफेद कफन में लिपटल देखलन तो ओकर माँ बाप जीते जी मर गईलन। ई बात वो लड़की के उकसैलस। अपन घर खेत सब कुछ गिरवी रखला के बाद जब रवा के ऐसा कॉलेज में एडमिशन मिलेला जहाँ खाली फैसिलिटीज के नाम पर झूठा और फर्जी तस्वीर होकेला तो हजारों स्टूडेंट्स बेचारे या तो आत्महत्या करे खातिर सोचलन या तो मजबूरी में कोनो गलत कदम उठावेलन। ई बात है लड़की के उकसैलस। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा बात से ही केस के काले में देवे के बाद। एकदम ठीक बोलना। नहीं, केस के सही दिशा में ले जाए के कोशिश कर रहल बानी हम। रवा कंटिन्यू करी। मदुराई के स्कूल में एक दिन गलती से भयंकर आग लग गई। बाहर न निकल पाए की वजह से बेचारे 100 से ज्यादा बच्चे वही आग के शिकार हो गए और झुलस को ही मर गए। वो हादसा के बाद देश भर के स्कूल के मरम्मत करावे खातिर सरकारी अफसर लोग जबरदस्त मुहिम छड़ देलन ताकि सबके लगे कि बच्चा लोगों के बहुत चिंता बा। चेन्नई के एगो छोटा सा इलाका में एगो माँ जब अपन 5 साल का लड़का के स्कूल बस में स्कूल भेजलस तो ओकरा के बात के अंदाजा ना रहे कि 5 मिनट बाद ओकर बच्चा टायर और बस के बॉडी के बीच में बनल दूरी में आके फंस के मर जाये। ओकरा बाद का भय उहे बेकार के दलील और खाना पूर्ति देश भर के स्कूल बस वैन के चेक कल गई देखे खातिर के ओकर ब्रेक ठीक से लगे लेकिन ना बस ये कह के हमने के सरकारी बाबू घरे चल गए। ऐसे ने कुछ कोयंबतूर में भी भइल, बिल्कुल ऐसा नहीं। कॉलेज में सुविधा के नाम पे ढेला रहे, जब स्टूडेंट सवाल पूछलन तो उन लोग के धमकाइल गए। उन लोग एजुकेशनल विभाग में लगातार कई मेल भेजलन लेकिन केहू के कान पे जू तक ना रहलस। एकरे बाद कार्य कॉलेज के दबाव के चलते 3 गर्ल स्टूडेंट हार के सुसाइड नोट लिख ली और नजदीक के कुआं में जाके मर गई। और ये सब होखला के बाद कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन भइल और वहाँ के स्टूडेंट्स के बढ़िया सुविधा वाला जगह पर शिफ्ट कर देहल गई। प्लीज हमरा के एगो बात समझाई, हमरा तो समझ में ना आवेला कि जौन सरकारी ऑफिसर लोग के आत्मा ऐसा हादसा के बाद जागेला, ऐसा सुतल जमीर वाला लोग के माँ सॉरी वो पहले कुछ कहे ना करेलन। ऑब्जेक्ट सही हो ना, ऐसा बात से ही केस के काले में देने के बाद धाताबा एकदम धाताबा कहे के शहर में एकदम ऐसा नहीं भइल बा। अपन घटिया कॉलेज के पोल खुले से बचाए खातिर एगो मासूम होनहार लड़की के बलि चढ़ा देल गई। यदि आपकी इजाजत होके तो योर ऑनर हम आपके कुछ दिखाएल चाहब। का दिखाई के बा? 1 मिनट। यही बैग में बेचारा लोग कॉलेज के फीस भर के लाइल रहलन, यह उम्मीद में कि एक दिन इनकर बेटी यहाँ से डॉक्टर बन के निकली। अब जानता नहीं अब यह बैग में का बा। इनकर इकलौती बेटी के अस्थि पड़ल बा। अभी लोग बस इतना चाहलन कि उनकर बेटी के इंसाफ मिल जाए ताकि कॉलेज के पास वाला नदी में ही लोग एकरा के विसर्जित कर सके। ये दुनिया में माँ बाप गुरु के भगवान का दर्जा देहल जाला और केहू ना कहला कि उनसे हमने के झूठ ना बोले के चाहिए। हाँ बाकी ये जरूर बताई जाला कि एगो डॉक्टर से कभी झूठ ना बोले के चाहिए, कहे कि हमने अपन जियल मरल उनके हाथ में सौंप देवेनी। ऐसे उनके बढ़िया एजुकेशन मिले के चाहिए तभी तो लोग काबिल डॉक्टर बन सकें और अपन हुनर से हजारों लोगन के जान बचा सकें। बात सिर्फ एगो वैशाली के नेखे जे के शहर में मार देहल गई, ना सिर्फ वो कॉलेज के बाद जे सबके धोखा दे रहल बा बल्कि देश भर में ये केस वो लाखों स्टूडेंट से जुड़ल बा जौन भविष्य में डॉक्टर बने के सपना देख रहल बा। के वो अमीर होके चाहे गरीब जब जान पर बन आवेला तो सब डॉक्टर पर ही भरोसा करेलन, फिर चाहे वो आप होखी चाहे हम होखी चाहे यहाँ बैठल वकील होखन। ये लिए एकरा के समाज खातिर चेतावनी समझी और प्लीज हमरा के 1 हफ्ता के मोहलत दी ताकि हम उस सारा सबूत के कोर्ट में पेश कर सकी जकरा के जानबूझ के छुपाल जा रहा बा। ऑब्जेक्शन यो होना झूठा सहानुभूति हासिल करे खातिर ई कोर्ट में जानबूझ के फिजूल बात कराता। ई बात बेकार नहीं खे, सही फैसला लेना कोर्ट की जिम्मेदारी बा। बैठ जाइए। हम आपके एगो बात बतावे चाहत बानी। हम बोलनी बैठी। हम रवा के 5 दिन के समय देतानी। हमरा के मरवाई ई दौरान पक्का सबूत के संगे ई साबित करे के पड़ी क्यों लड़की के मौत खातिर ओकर कॉलेज जिम्मेदार बा, ना तो हम केस डिसमिस कर दे। बेटा हमने गरीब लोग बने, हमने वकील की फीस ना दे सके और ना ही हमने में इतना ताकत पाकी उन लोग के खिलाफ कोनो आवाज उठा सके। भगवान की शुक्र बा कि हमने के तोरा जैसन बेटा मिल गए। तो ऐसा भाई बड़ा जे अपन बहन की न्याय दिलावे खातिर सब कुछ कर सकेला, हमने के जाता नहीं बेटा। मामा हाँ रवा इनके साथ जाए प्लीज, और तू हम बाइक पे आवत जाए। गरीबन के मसीहा। तू रिकवरी एजेंट बाड़े ना हुआ आगे, हमार मामला में ना घुसी है। ये हो हमार काम बा, यहाँ भी हम कलेक्ट करे आयल बानी। तो और कॉलेज में पढ़े वाला सब स्टूडेंट्स के फ्यूचर कलेक्ट करके वो लोग के देवे आयल बानी, ताकि वो लोग अपन पढ़ाई पूरा करके काबिल डॉक्टर बन सके। ये कलेक्शन एजेंट के फर्ज बा। घबरा मत, एकरा खातिर कमीशन भी लेब हम। रूह होके तोहरा के जेल में सड़क देखा। ओकरा खातिर तोहके जिंदा रहे के पड़ी। 5 दिन के समय मिलल बना, खाली 5 मिनट बाद हम तोहके इस शहर के गर्मी के एहसास कराई। स्कूल से आवत समय हमार बच्ची के उठा के ले गए। 1 घंटा के समय दिले बड़े, तब तक तोहरा वो लोग के हवाले ना करी, तब हमार बच्ची के मार दिए। छुट्टी छुट्टी, डार्लिंग हमके बचावा, हमके बचावा। देखा बच्ची का कुछ मत करा, हम आगे बनी करा, छोड़ प्यार करेला ना। काटती ना ना, ओकरा कुछ मत करिए ना प्लीज ना, ओकरा छोड़ दा। डार्लिंग हमके बहुत डर लग रहा बा। अरे घबरा मत डार्लिंग, ये तो हर फेवरेट खेल जैसन बा, एक बार खेल के दिखावा चला। बस अब हम ये लोग के साथ भी ये करा। ओ तई खेल बा, हम तो सच में डर गए रहनी। ठीक बा, अब सुना, पापा के साथ घरे जा, डार्लिंग खेल खेल के आई। ओके। बोल मार मार के अगर आधमरा कर देनी मार दिखा ना, हम केवल जिंदा चाहिए। आ रहा बानी हम। वो दिन बहुत जोश दिखावत रहे ना, अब हम के ओकर आंख में डर देखे के बाद अपना हाथ से हम ओकर बोटी बोटी काटब। ठीक बा भाई, आ जाइए। बांध के रखले बानी ओकरा के, ओकर कीबा बना दिया ताकि हमनी के ओकरा इज्जत दफन कर दी। वो देखी कहवा बा। हाँ इज्जत रहे कहाँ गई? यह रहे तब फिर गई कहाँ? का भइल? भाई भाभी कुछ भी खाए खातिर मना करता रही। का बोल रहल बाड़ी? केने बाबू रुक जाई, बात करा। भैया बड़े जानू प्लीज जल्दी से कुछ खा ला ना प्लीज। हमके ना खाए के बा। यदि खेबू ना तो ठीक कैसे होगू? हाँ? बेबी के खाए खातिर बोल रहल बा। हमरा खाए के मन नहीं के। हम घर ए का कर रहल बाड़े रे? यहाँ टेंशन से जान जा रहल बा। तोर बीबी खाना ना खाए तो मर जाएगी। ए रुक रुक थोड़ा रुक रुक बेटा, भाई की बात का बुरा मत बात। अरे हमारी बात का सब रुक रुक सने बगैर ही चल गए। ए यहाँ हालत ठीक नहीं है तो के यहाँ ना आवे के चाहत रहे। ए दोस्त तू है होखेला जे मुसीबत में अपन दोस्त के साथ दे। हमने यहाँ से ना जाए चाहे कुछ भी हो जाए। कोर्ट में हमने 20 लड़कन के नाम लिखल बा अगर हमने के कॉलेज के खिलाफ प्रोटेस्ट करब तो हमरा निखे लागत के हमने के पास करब जा। हमने के पेरेंट्स के भी मैसेज कर देले बा। हमने के पेरेंट्स फोन करके हमने के खैरियत पूछत रहले। अगर प्राइम मिनिस्टर पीके के असली रूप जानत तो वो ओकरा के अवार्ड देवे की ना सोचत। सोशल मीडिया पर नफरत, अफवाह और गलत जानकारी फैला के समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा बा। जैसे प्लेटफॉर्म खाली नेगेटिविटी फैलाए खातिर ही बनाल गई बा। बाकी हाल ही में जब हमनी के शहर में बाढ़ आयल रहे, अमीर का गरीब का सब केहू तन मन धन से एक दूसरे के मदद कैलस। वह सोशल मीडिया तब एगो अहम रोल अदा कैले रहे। मुसीबत में फंसल हजारों लोग खातिर देश भर से मदद आयल और भैल सोशल मीडिया के वजह से। वह सोशल मीडिया के ताकत से कुछ जादू चलावल चाहे। साहब एक हफ्ता के बाद यहाँ आके खुद अपन हाथ से रवा के बेस्ट एजुकेशनल लिस्ट के अवार्ड देवे वाला रहलन। अचानक राव नाम लिस्ट से निकल काहे गई? जाके इस सवाल पीएम से पूछा। पीके सर इतना ही ना हमनी के तो सुनले बानी कि वो रवा से मिले से भी इनकार कर देले। एकरा से हमके कोनो फर्क ना पड़ी पर उनका पड़ी। सर ए बात से रवा नेखे लागत कि राव राजनीति में कद छोटा हो जाये। हमार कद का अगला इलेक्शन में पता चल जाये। सर ओकरा खातिर रवा के 4 साल इंतजार करे के पड़ी ना। यदि केहू मर जाए तो चुनाव जल्दी भी हो सकेला ना। कुछ समझ में आयल? सर लेट्स डू सीधा बात, नो बकवास। अभी क्या गए? सर एगो आखिरी सवाल आपसे पूछे के रहे। जौन अवार्ड के लिस्ट से आपके निकालल गई सुनले बानी वो अवार्ड आप नोट दे के खरीद ली। वैसे कितना नोट देले रहनी आप अवार्ड खातिर? कौन से पेपर से बाड़े? जौन पेपर से आग लगेला। हमार मतलब बजावत रहा पेपर से। और मीडिया के बुला के अपन भांडा फड़वावा। रवा जाए हम संभाल ले। हेलो का रे कसाई, फ्रॉड के अवार्ड कैंसिल हो गए। तोर गला काट दे। तू बोलने वाले 5 मिनट बाद तोर जीवन मुश्किल कर दे। अब खुद देख, अब से तोर हर मिनट ऐसा हाल करब कि खुद कोसबे की ऊपर वाला तोरा के जिंदा कहे रख ले बा। आज सवेरे सवेरे भइल का? ठीक बा बता नहीं। ठीक बा बता नहीं। अरे भैया रवा तो अंतर्यामी निकलनी। का बकवास कर रहा बाड़े? कोटा की पत्नी मर गई भैया। अबे तो खुश होकर न्यूज काहे दे रहल बड़े? मरे के भविष्यवाणी के लिए हम बोला तू मर जाइबे तो सच में मर जाइबे का पागल। कोटा के सामने ऐसा बात मत करिए। अब जाके एगो बड़ा माला लेके आ जाओ। हाँ, माला लावत आनी बड़ा वाला। ए, गाड़ी रोक भैया। सेम पोस्टर जल्दी नजदीक के सिनेमा हॉल में पीके चैंपियन ऑफ एजुकेशन यहाँ के चिपकैला। और के होके उहे होके लगा के गई होगी। कोटा के बीवी के फोटो के ऊपर पोस्टर चिपकैले बा भैया। ऐसे दम तबाह बंदा में माँ कसम होशियार रहे के पड़ी। चल आगे ले, चल जल्दी चल। है भैया बाया तरफ देखी कोनो जगह न छोड़लस, सब जगह चिपका देलस। कौना मोड़ कोनो गली न छोड़लस। कोटा के बीवी के फोटो के ऊपर भी पोस्टर चिपका देलस। कहाँ गए? जल्दी। इली भैया मारी कस मारी। आराम से कस मारी, सब ठीक हो जाए। हम दरवाजा खोल कर हर जगह पोस्टर भैया। भैया हंस का रहा बने? अरे बुरा भैया कोई ना। हम ओकरा के कोटा के कहा जवाब दे? अरे हंस पर बस भैया काहे खड़ा भैया। अरे हट जा। कहीं पर भी पहुंच जाएगी रवा लोग। कौन चैनल से बड़ा? विजय टीवी। हैं? विजय टीवी। विजय टीवी। भैया चलिए जल्दी श्रद्धांजलि दी जा। चलिए। आई माला चढ़ाई। ली। हंसी मत ठीक। अरे कैसा आदमी बाप। आई 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 भैया। अरे माला पर क्यों ऐसे हंसे ना का? पागल हो गई माला का। दिमाग खराब हो गई बाप। ये अपने आप के समझे ना का। अरे पगला गया के हंसत बाप। सॉरी भैया माला चढ़ाई ना। एक घोटा हंसी बाबर भाई। ये अपने आप के समझे ना का। गया के हंसत बाप। चल चल भैया। मनहूस के भगवान के आत्मा के शांति। पीछे हट। जो भाग जाता है। जी 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 जी। चलिए भैया। अरे चल जो। अरे जो भगवान शांति दे। हंसी मत भैया। चलिए चल जाओ। ये देखा ये देखा। मर गए। चलिए चलिए चलो पीछे बैठा। मैयत में आयल बदला अपने चैलेंज में। भाभी चलिए चलिए भैया चलिए जल्दी आइए। तू होकर के एक बार जला ले हम फिर आए। हम आए बैठी ना अंदर। यानी बाद में आके फिर से तोहर पत्नी के मजाक उड़ाई। भाभी के मजाक उड़ा रहा बा। आदमी लैब से आयल बा। हाँ ठीक बा। आई आई हाँ जाई। आपके इनहेलर में नाइट्रस ऑक्साइड मिलायल गइल बा सर। हाँ? एकरा लाफिंग गैस भी कहल जाला सर। एकरा सूंघे के बाद हंसी आवेला सर। ए ये कैसे भाई? हम कसम खाता नहीं भैया। हमके पता नहीं के फोन लगावा। हां ठीक बा भैया। ओकरा सच बतावे के पड़ी। लग गई। हेलो का रे कसाई? नाइट्रस ऑक्साइड सूंघ के हंसे में मजा आयल ना? हाँ? अबे कोटा के फोन तोहार लगे कैसे आयल? अबे उहे ते हमरा के फोन पकड़ैले बा। यकीन ना हो रहा बा। रुक बात कराओ तानी जल्दी। दोस्त हाँ तोहर दुश्मन लाइन पर बा। हाँ कोटा हाँ, भाई देख हमार हंसे के पीछे एगो हाँ, वजह रहे। हमार बीवी के लाश देख के ओकरा पे हंसत रहला और अब अपन बेशर्मी के वजह बता रहल बा। ना यार कोटा हम जानबूझ के ना हंसत रहल। जाना तनी तू यही से हंसला ना कि हम तोर साथे नहीं खी। सुन ले तोर मरनी पे पूरा गांव के लेके आई और सब के जोर जोर से हंसी यार। यार हमार बात तो सुना। अब हम तोर कोनो बात ना सुनाब। सीधा कोर्ट में सबके सामने तोर कच्चा चिट्ठा खोलब। अबे करता के बारे ए तोर बाप के सड़क बा जब गाड़ी बीच में रोक देले। जरा हटाओ। के बारे तू लोग दरवाजा खोल। तू हमके यह तरह देखा चाहत रहले। चल अब देख बढ़िया से, जेल जाए पर हमके ऐसा नहीं कपड़ा पहने के पड़े ना। एगो कसाई के सबसे बड़ा खूबी का होखेला ना भाई। काटत समय रवा मरला से पहले कोटा बीरन दू गो आदमी के खून कैलस। ये दोनों आदमी वह रहलन जो नॉर्थ इंडिया में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स रहे। पीके सब जगह से गुंडा बुलौले बा। उस लोग तोहरे खोजत होखिए। अपन ख्याल रखिए भैरव। यानी सारा मेहनत बर्बाद हो जाए। परसों कोर्ट में सुनवाई बा। एक दिन में आखिर हमनी का कर सकब? एक दिन के मतलब समझे लो, हमनी के लगे अभी पूरा 24 घंटा बा, यानी 1440 मिनट। हमने परसों जीतब की हारा भी तब के तब पता चलिए, बीच में वो जिंदा रही कि हम एक फैसला हो जाए। बस हमके तू सबके साथ चाहिए। तू जो कुछ भी मंगैली हुई बैग में बा, हमार चिंता करे की जरूरत नहीं है। बस तो जैसन बोलले बानी वैसन करत जाइए। हमें कोई ऐसा जगह पर बने जहाँ के क्यों ना ढूंढ सकेला। आज पीके के किस्सा खत्म करके ही आए। कहाँ बाड़ा तू? शहर के बाहर पीके के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर। हम वही बिल्डिंग में छुपा बने। अपना ख्याल with a little bit of rage and a gas for the vengeance. Gotta put a cap on my angle, keep cool, gotta handle this whole situation. How the hell did I end up here? Third eye blind, I see clear. Money making machine Then see the fake one and make them all disappear like 1,000. कसाई तोर तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तोरा चेहरा से तो लगा था जैसे प्राइम मिनिस्टर तोर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गुजर के ही शहर में जाए वाला बाड़ा ना। हम क्यों उनका रूट पहले से बता रहे, ऐसे वही दिशा में कोई स्नाइपर गन के पहले से ही सेट करके रख ले बने। जैसे कि हमके पता रहे कि तो महेश्वरी से हो रहा हमार बात के टैप कर रहा बड़ा। दरअसल वो एगो प्लान रहे तुम्हार भाड़ा के टट्टू लोग के यहाँ बुला गए था। और हम सारा लोग के अकेले धुलाई करके खुद पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर। हेलो कंट्रोल रूम। यस। हमने के प्राइम मिनिस्टर तिरुनेलवेली जा रहा बड़ा ना, वही रास्ता के बीच में पीके के कंस्ट्रक्शन साइट बा, वहाँ बोला तो अपन एकदम छटल बदमाश गुंडा लोग के भेजले बा। बहुत खतरनाक बाड़ा नो, बड़ा बड़ा हथियार बा उनके लगे। बस अब जल्दी करना था प्राइम मिनिस्टर टपक जाए। तू के बाड़ा? हम बाने पीएम भाग। सर सूचना मिलल बटे के पीके पीएम के मार दी। ऐसा लगा था तुम्हारे दिमाग के फ्यूज उड़ गए बा और 0 बटा सन्नाटा हो गए बा। कसम तुम्हार सर के हम ऐसा कुछ ना कहीं नहीं का लगेला तो के वो तो यकीन कर ली है। अब यकीन तक कर ले बाड़ान, देखबे चल दिखाओ तनी तोरा के। कंट्रोल रूम में एगो फोन आए रहे और हमनी के लगे सबूत के तौर पे एगो वीडियो फुटेज बा जो साबित कर रहा था कि वो बिल्डिंग में आतंकवादी मौजूद पड़े। सर प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा खातिर रवा का इंतजाम कैले बानी। हमनी के कमांडो जो बिल्डिंग के अपना कंट्रोल में ले ले बाड़े। हमारी अनुमान बा कि आर्मी और रैपिड फोर्स भी वो बिल्डिंग के जल्दी अपना कंट्रोल में ले ली है। हमने के कमांडोज के शूट एंड साइड का ऑर्डर बा, यही से अब पीके के बचल मुश्किल बा। पीके आखिर प्राइम मिनिस्टर के जान के पीछे काहे पड़ल बा, इकर जवाब रहुआ के पता है। हमनी के विजय टीवी के रंगीला रिपोर्टर जौना दिन पीके के अवार्ड कैंसिल भई वो दिन पीके बहुत ही गुस्सा में रहे और गुस्सा में का गलत आप देख सकेली। वीडियो प्ले करा सब समझ जाइए, एकरा से हमके कोनो फर्क ना पड़ी पर उनका पड़ी। अबे ई का कहले तू? यदि केहू मर जाए तो चुनाव जल्दी भी हो सकेला ना। सीबीआई पीके के संपत्ति, उनकर बैंक अकाउंट्स, कॉलेज सब के सील करके अपना कब्जा में ले ले बा। साथ में पुलिस उनकर नजदीकी लोगन से पूछताछ खातिर हिरासत में ले ले बा। पीके के आतंकवादी लोग से कब से और का संबंध बा, पुलिस एकर कड़ा छानबीन करे में जुट गई बिया। प्लीज हमके मत मारी, पीके कितना खून कैले बा हमके याद तक नहीं खे। प्राइम मिनिस्टर के मारे वाला बात भी वो हमसे छुपैले, हमके सेंट्रल भेज दी, डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दी धोखेबाज हमके छानबीन खातिर जेल में मत रखी प्लीज। हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, माफ कर दी भाई बाप। तो हमके छोड़ब ना। हम बिल्डिंग जौन अंडर कंस्ट्रक्शन बा वहाँ खातिर पुलिस निकल गई बा और कबहियो पहुँच सकत बा। ते कई जुर्म कैले बाकी बच गईले, बाकी आज वो जुर्म खातिर फंसबे जौन ते कैले ही ना। आप किस्मत के पहिया उल्टा घूमी। ओ दिन हम बोलले रहनी ना, हमरा में एगो बुरा आदत बा जौन आज के लोगन में ढूंढे से भी ना मिलेला कि हम सीधा काम भी उल्टा तरीका से करेली। हम तो अपन वादा निभा देनी। देखा था नहीं तू अपन जान बचा सकेला कि ना। तू हमारी जिंदगी बर्बाद कर देले। स्पेशल टास्क फोर्स पूरा बिल्डिंग के घेर ले लेबा। ब्लैक हेड कमांडोज भी ऊपर चल गई बाड़ी। जा सब कुछ हमनी के कंट्रोल में बा। कमांडोज के यदि केहू पर शक भइल तो ओकरा के तुरंत शूट कर दिए जा। पीएम एकदम सुरक्षित बाड़े। यहाँ मौजूद सब केहू के देखत ही सीधा शूट कर देवल जाई। तो के का लगता हमके पकड़ाए के बाद तू बचे में। हम तुमके लेके मारे तो बहुत हमार संगे लिखल बा। हम सरेंडर करो पहली। हमारे को साथी अंदर छुपल बा। हमने मिलके ही साजिश कैले बानी। जा ओकरा के पकड़ा जा, भीतर जा। जा एकरा खातिर वो जिम्मेदार बा। जा पकड़ा ओकरा के। जा उहे बा वो भागे की कोशिश कर रहा बा। जाओ ओकरा के पकड़ा। उ एकर मास्टरमाइंड बा। उ है कहीं छुपल बा। पकड़ा जाओ ओकरा के। छोड़िया मत। मिल गइला गावा बाऊ। अरे का कर रहल बड़ा? अरे भीतर ही बाऊ। जा तू लोग यहां का कर रहल बड़ा? जा भीतर जा, पकड़ा ओकरा के। उ एजे छुपल बा। का कर रहल बड़ा तू लोग? जा यहां का कर रहल बड़ा तू लोग? ओकरा के जाके पकड़ा। बल्ला गवाह के मद्देनजर रखते हुए इस साफ होकेला की पीके उर्फ प्रवीण कुमार ही वैशाली के खून खातिर जिम्मेदार बा। इसलिए ये अदालत सरकार के आदेश दे रहल बा कि वो बिना वक्त गवाए पीके कॉलेज के सब स्टूडेंट्स के एको बढ़िया मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करे। सब इस केस में आखिर गुनाहगार लोग के सजा मिल ही गई। पीके कॉलेज के स्टूडेंट्स के न्याय मिलल। स्टूडेंट्स लोग के बोलल बा कि ई राउर वजह से भइल बा। रवा बारे में का कहल चाहब? देखिए पढ़ल लिखल तो सबकर हक बा। ऐसे सरकार प्राइवेट कॉलेज के ग्रांट और एड देवेला। हमरा कैसे एतराज नहीं के। बाकी सरकार के भी देखे के चाहे कि कॉलेज के करबा स्टूडेंट्स के काबिलियत पर तो हजारों सवाल उठाए जा सकेगा। बाकी प्रोफेसर्स के का कि वो ऐसा भी हो के जो उनका काबिलियत के भी जांचे। ओकरा से भी जरूरी बात ही बाकी कॉलेज चलाए वाला के भी काबिलियत के भी बढ़िया से परखे के चाहिए। बस हम समाज में यह बदलाव चाहता हूँ। थैंक यू।